तो सामान्य अध्ययन की एक बहुत व्यापक श्रृंखला जो लगातार हमारी निरंतर चल रही है, उसमें जो मास्टर वीडियो सीरीज़ है उसका एक स्वरूप मैंने राज्यवार भी बनाया है, स्टेट वाइज भी मैंने। और स्टेट वाइज बनाने का कारण दो हैं। पहला कारण है कि भारत में जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं और राज्यों की परीक्षाएं हैं, उसमें जो राज्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों ना उन्हें एक ही वीडियो में दिया जाए, जैसा कि मास्टर वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट था। जब मैंने मास्टर वीडियो प्रारंभ किया था तो मेरा एक उद्देश्य था, क्योंकि परीक्षा के अंतिम समय में जब आप पहुंचेंगे, परीक्षा के बिल्कुल नज़दीक पहुंचेंगे, तो आपको सबसे नितांत आवश्यकता ये होती है कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिले जो आपको नॉलेज भी दे और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दे, एक भरोसा दे, एक विश्वास दे, और आपकी परीक्षा में प्रश्न सीधे निकल के आए, है ना। यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि शायद जो मैं पढ़ रहा हूँ, यदि वो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाएगा, वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस पूरा लैक हो जाएगा, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के टाइम पीरियड पे बेचैनी सी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या का समाधान ही ये निकला था। लगभग 4 साल हो गए मुझे लगातार, और समान अध्ययन के सभी विषयों पर मैंने मास्टर वीडियो दिए हैं। एक निरंतर श्रृंखला है, कंटिन्यूस श्रृंखला है, और लगातार चलती रहेगी जब तक मैं पूर्ण समाधान नहीं कर दूंगा समान अध्ययन का। तो आज जो है आपका झारखंड राज्य, राज्यों में मैंने बिहार से प्रारंभ किया था, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश था, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश था, इसके बाद आपका अभी जो आया था छत्तीसगढ़ का आया था। इसको दो नज़रिए से देखा जा सकता है। राज्यों में पूछे जाने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं आपकी, चाहे वो आपका राज्यों में लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं और अन्य बहुत सारे छोटे छोटे आयोग और छोटी अन्य परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में राज्यों से जो पूछा जाएगा वो तो आपका कवर ही होगा। लेकिन हम भारत को जूम आउट करके पढ़ रहे हैं, मतलब एक एक सेक्शन को अपने इंडिया का, जो हम IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया के GK से समान अध्ययन से प्रश्न पूछा जाता है, तो GK GS से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम बहुत जूम आउट करके देख रहे हैं। इंडिया के ज्योग्राफी को बहुत जूम आउट कर रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री को बहुत जूम आउट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एक स्टेट के माध्यम से। तो आने वाले समय में भारत के जितने भी वर्तमान राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी पे मैं कार्य जरूर करूंगा, और मास्टर वीडियो का यही फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट को मैं कभी भी समाप्त नहीं करूंगा, है ना। तो ये श्रृंखला आपकी मास्टर वीडियो की है, और इस श्रृंखला में आने वाले 2 घंटे की अवधि में आप सभी को एक इतनी बड़ी विषय वस्तु, जिसको पढ़ने में आपको महीनों लग सकते हैं, उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। मतलब आपको ये टॉपिक आज के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपको आपने नहीं पढ़ा था, यदि कभी नहीं पढ़ा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे जो बोर्ड है या फिर मास्टर वीडियो में जितना भी मैंने आज तक कंटेंट डेवलप किया है, उसमें आपके एग्ज़ाम हॉल में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। आप जाइए कमेंट बॉक्स में चेक करिए कितने बच्चों का केवल मास्टर वीडियो से ही चयन हो गया, है ना। तो ये झारखंड राज्य में आपका पूरा JPSC का एग्ज़ाम है, JSSC CGL का एग्ज़ाम है, या अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं झारखंड राज्य में, तो वहाँ पे सेपरेट JPSC में तो एक पर्टिकुलर पेपर ही उन्होंने बना रखा है राज्य विशेष का। और कुछ भी हो, आप किसी भी राज्य से आते हैं, आपको अपने राज्य की व्यापक जानकारी होनी चाहिए, और भारतवर्ष में रहने के नाते भारत के हर हिस्से की जानकारी रहनी चाहिए। तो आज के सेशन में मैं दोनों नज़रियों के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाऊंगा, भारत को जूम आउट करके पढ़ा रहा हूं, और साथ ही एक राज्य विशेष को आपको बहुत डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बोर्ड से आपके झारखंड राज्य से सारे प्रश्न निकल के आएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा। अब आप लोगों को यहां पे देखो, सबसे पहली बात, कुछ दिखेगा नहीं, मास्टर वीडियो की यही विशेषता रही, और इस विशेषता को मैं कभी समाप्त नहीं करना चाहता। दिखेगा इसलिए नहीं क्योंकि एक मेरी कोडिंग है, है ना। पिछले 48 घंटे से मैं लगातार सिर्फ इसी विषय पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो चीज़ भी आपकी लिखी हुई है कंटेंट वाइज, ये मेरे शब्दों के माध्यम से आने वाले 2 घंटे में आपके दिमाग में प्रवेश करेगा। आपका काम है सिर्फ गौर से सुनना, बैठना, जो चीज़ आपको लगती है उसे आप लिख भी सकते हो, अन्यथा की स्थिति में मैं आप तक पहुँचा दूंगा, ये मेरा जो टीचिंग स्किल होगा वो काम करेगा,
ठीक है। तो 2 घंटे में पूरा बोर्ड आपके दिमाग में मैं बैठाऊंगा। आपको भी प्रयास ये करना है कि जो 2 घंटे का समय है मेरे साथ इस क्लासरूम के अंदर आप लोगों को रहना है, और बस आप देखते जाइए, 2 घंटे में एक चमत्कार आपको होगा। निश्चित तौर पे आपके पास डेटा बहुत सारा जाएगा, कंटेंट बहुत सारा जाएगा, लेकिन एक आत्मविश्वास भी लेकर के आएगा। ये आपको लगेगा कि 2 घंटे में आपने टॉपिक पढ़ लिया, एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो ये झारखंड राज्य से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए सबसे रामबाण आपका वीडियो है, पहली बात। और दूसरा, भारत को समझने के लिए, भारत के एक हिस्से को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण एपिसोड है। तो चलिए अब एक क्रम से देखेंगे। मेरा पहले प्रयास ये था कि एक ही वीडियो में मैं झारखंड स्टेट पूरा कंप्लीट कर दूं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया है। इसके बावजूद भी मेरी प्राथमिकता ये थी कि जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं पर्टिकुलर स्टेट से, पहले अंक में उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए। तो इस एपिसोड में झारखंड राज्य की जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो JPSC एग्जाम हो, JSSC एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी राज्य के द्वारा आयोजित परीक्षा है, उसमें झारखंड राज्य से जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैंने प्राथमिकता के तौर पे किए हैं। अब चूंकि झारखंड राज्य जो आपका है, यदि आप इसको मोटे तौर पे देखें तो 1961 यानी पहले बिहार का ही हिस्सा था, सन 2000 में आपका इसका पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन के तहत बिहार से अलग कर दिया गया है ना। इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, और हिस्टोरिक बैकग्राउंड में पढ़ाऊंगा भी, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, ठीक है। इस एपिसोड में तो संभव नहीं हो पाया, इस एपिसोड में मैं आपको बर्बली कुछ चीज़ें बता दूंगा, लेकिन जो आने वाला एपिसोड होगा वहाँ पे बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा झारखंड का कंप्लीट इतिहास, जिसमें हम इसको पूरा पाषाण काल से चालू करेंगे और आधुनिक काल में अब तक में उठा करके रख देंगे। लेकिन यदि आप झारखंड की ज्योग्राफी को देखें या झारखंड का पूरा हिस्ट्री देखें, तो 1961 की जो जनगणना हुई थी, 1961 की जनगणना में इसको छोटा नागपुर रीजन के नाम से जानते थे। एक पठारी क्षेत्र है ना, आपका दक्कन का पठार है भारत के, यदि आप प्रायद्वीपीय पठार में देखेंगे तो दक्कन का पठार है, उसके उत्तर में मालवा का पठार है। देखा जाए आमतौर पर तो दक्कन के पठार का ये पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा है ये दक्कन के पठार का, उसी का विस्तार है, या फिर मालवा के पठार का विस्तार है। आपको पता होगा जो मेघालय वाला क्षेत्र है ना, ये भी पठारी ही है, मेघालय पर्वतीय हिस्सा नहीं है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, मेघालय में शिलांग का पठार है, और शिलांग के पठार में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये पहाड़ियां भी इसी का ही विस्तार है, मतलब शिलांग के पठार तक विस्तृत है आपका दक्कन का पठार। तो छोटा नागपुर पठार रीजन के नाम से 1961 में जाना जाता था, ठीक है। बाद में मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा कि अब कितने इसमें जिले हैं, कितने मंडल हैं, और एक हिस्सा जो था इसका भागलपुर वाले क्षेत्र में आता था, संथाल परगना, ये पूरा आपका संथाल परगना है, और ये आपका जितना भी है ये है छोटा नागपुर रीजन। ये मैंने अभी बोर्ड में बता देता हूँ क्या क्या मैंने किया है। 2 तो मानचित्र बनाए हैं जो आमतौर पर इस पर आपको काम करना चाहिए। पहला मानचित्र है झारखंड राज्य का राजनीतिक मानचित्र, और दूसरा मानचित्र है झारखंड राज्य का प्राकृतिक मानचित्र, है ना। प्रकृति ने कैसे ही झारखंड को बनाया है, और कृत्रिम तौर पे हम किस तरीके से झारखंड का विभाजन करते हुए विभिन्न जिलों को बनाते चले जा रहे हैं। तो सन 2000 पहले से यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो वर्तमान झारखंड है, 1961 की जनगणना में ये छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता था, और इसमें 5 जिले सम्मिलित हुआ करते थे। 5 जिले आपके कौन कौन से थे, पलामू, ये पलामू वाला क्षेत्र है ना, हजारीबाग वाला क्षेत्र है यहाँ पे, रांची वाला क्षेत्र है, धनबाद वाला क्षेत्र है आपका, और सिंहभूमि वाला क्षेत्र है ना, ये आपका पूरा सिंहभूमि है। अब तो ये 2 भागों में बढ़ गया, पश्चिमी सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि, ये 5 जिले हुआ करते थे, और सम्मिलित तौर पे इसको बोला जाता था छोटा नागपुर का पठार, है ना। कब, 1961 की जनसंख्या में जब जनगणना हुई थी, और ये आपका बिहार राज्य से ही जुड़ा हुआ था, और बाकी का जो इसका पूरब वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आपका भागलपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, भागलपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था संथाल परगना का। 1971 में भी यही स्थिति रही, 1971 में कुछ बदला नहीं, है ना। अभी हम आएंगे डिटेल से करेंगे, इस बोर्ड पे जो भी चीज़ें सारी डिकोड करूंगा, मैं सिर्फ आपको अभी एक पृष्ठभूमि समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप बहुत आसानी से इस स्टेट को, यदि कभी नहीं आपने पढ़ा तो आपको ये स्टेट समझ में आ जाए, है ना। बस मैं इस तरीके से आपको लेकर के चल रहा हूं। तो राज्य पुनर्गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, है ना,
28वें राज्य के तौर पे इसका उद्भव हुआ झारखंड का। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इससे पहले की स्थिति क्या थी, तो इससे पहले ये छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना का हिस्सा भागलपुर से जुड़ाव रखता था। 1961 की जनगणना में ये स्थिति थी। यही स्थिति 1971 में रही, लेकिन 1981 में हजारीबाग से कुछ क्षेत्रों को अलग कर दिया गया और हजारीबाग से अलग करके यहाँ पर 7 जिले बना दिए गए, 5 से 7 कर दिए गए। एक तो गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ इसी टाइम पीरियड पे, लेकिन अभी भी जो कुछ भी है आपका ये पूरा का पूरा जो है अभी भी छोटा नागपुर का पठार ही है, लेकिन इसी के अंदर गिरिडीह जिला आ गया, ठीक है। इसके बाद 1993 में इसमें जिलों की संख्या बढ़ी, 13 जिले हो गए, और जब सन 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया तो 18 जिलों के साथ इसको जो है झारखंड राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और फिर अभी वर्तमान में सन 2008 तक में लगभग 24 जिले हो गए, वर्तमान में भी 24 जिले हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस बोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले एक दो आपको मैं मानचित्र समझाऊंगा, शुरुआत में आपको राजनीतिक मानचित्र से ही करूंगा, ताकि आप एक बार क्रम से समझ पाएं कि झारखंड है कैसा, कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। और हमें हमेशा राजनीतिक मानचित्र पहले पढ़ना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज़ मैप से एटलस से पढ़ें तो पहले पॉलिटिकली उसको किस नाम से जानते हैं और फिर इसके बाद आप प्राकृतिक मानचित्र पे आ जाएं, ठीक है। तो पहले हम राजनीतिक मानचित्र समझेंगे, फिर इसका प्राकृतिक मानचित्र समझेंगे, इसके बाद झारखंड के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी है, महत्वपूर्ण चीज़ें, बेसिक आधारभूत चीज़ें, तो झारखंड के को एक नज़र में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद झारखंड को लेकर के ये जो दो परगने थे आपका, एक तो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र था और यहाँ पर इस क्षेत्र में भूमि के अवैध कब्जों से रोकने को लेकर के कुछ काश्तकारी अधिनियम बनाए गए हैं। एक आपका है CNT एक्ट, एक है SPT एक्ट। इन दोनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग भी पूछता है, अन्य एग्जाम भी पूछते हैं। तो थोड़ा सा मैं चर्चा यहाँ पे आपको CNT एक्ट और SPT एक्ट के बारे में भी करूँगा, ठीक है। इनके बारे में भी हमारा यहाँ पे डिस्कशन होगा, चर्चा कर लेंगे कि दोनों अधिनियमों में क्या क्या है, कितने टोटल जो है सेक्शन हैं और उन सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल कितने अध्याय हैं, है ना, CNT में कितने अध्याय हैं, SPT में कितने अध्याय हैं, और भारत की नवी अनुसूची के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को लेकर के संरक्षण देने के लिए, न्यायिक संरक्षण देने के लिए बनाई गई थी, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ का डेमोग्राफी कैसा है, यहाँ की जननांकिकी कैसी है, यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार की डेमोग्राफी के, इससे भी प्रश्न पूछते हैं जनगणना से, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जनजाति, चूंकि ये जनजाति बहुल क्षेत्र भी है, है ना, सबसे पहली चीज ये है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी संख्या में घने वन है, घने वन, झाड़ झंकार, है ना, और बहुत बड़ी संख्या में वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। पठारी क्षेत्र भी है, कई कई जगह पे पहाड़ियाँ भी हैं, बहुत खूबसूरत जगह हैं, झरनों का देश है, और यहाँ पे इस प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में घने वन झाड़ झंकार होने के कारण से ही इस हिस्से का नाम झारखंड पड़ा है ना। झाड़ का मतलब क्या है, जंगल, झाड़, है ना, खंड का मतलब है एक हिस्सा। तो कहीं ना कहीं पे पहले इसको वनांचल के नाम से भी इसकी डिमांड चल रही थी, इसका नाम वनांचल रखा जाए, लेकिन वनांचल में फिर कहीं ना कहीं पे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा था, ये सब चीज़ें। तो अभी वर्तमान में झारखंड के नाम से इसका पुनर्गठन हुआ, इसको आगे अभी हम डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। तो झारखंड प्रदेश में एक बार जो है हम यहाँ का जो जनजातीय डेमोग्राफी है इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आपका भौतिक मानचित्र है, भौतिक मानचित्र में जितनी भी नदियाँ हैं, नदियों का पैटर्न समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ पे आपका पठारी क्षेत्र है, कौन कौन सा पठार है, कहाँ कहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जो है हम झारखंड के प्रमुख विद्रोह, आदिवासी विद्रोह या वहाँ के नागरिकों के द्वारा किए गए विद्रोहों को समझने का प्रयास करेंगे, इससे भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो मैं लगभग सभी विद्रोह बता दूंगा, 1767 से लेकर के अब तक के हुए जितने भी विद्रोह हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण के अंतर्गत
नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य, इनकी उपस्थिति भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, इनको लेकर के भी हमारा एक कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे होगा सेशन में। इसके बाद जो है, चूंकि आपको पता है कि एक स्टैटिक जीके का सेक्शन होता है, हमेशा स्टेट पीसीएस में पूछा ही जाता है स्टैटिक जीके कि राज्य में कौन प्रथम था, कौन लास्ट था, क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी पूरी लिस्ट मैंने आपकी बनाई है। यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि आपके झारखंड राज्य में जो प्रश्न भी बन सकते होंगे उनको मैंने प्राथमिकता दी है। लेकिन ये सेशन कंप्लीट नहीं होगा, इसका दूसरा पार्ट भी हमें लाना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि झारखंड है भी इतना बड़ा, है ना। इतिहास से शुरुआत मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि यदि मैं इतिहास पढ़ाना शुरू करता तो पहला एपिसोड आपका इतिहास में ही ख़त्म हो जाता, और इतिहास के चक्कर में जो अन्य महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं ये आपके रह जाते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे झारखंड के राजनीतिक मानचित्र को समझने की, ठीक, क्लियर। एक बार जो है मैं आपको सारे के सारे जितने ज़िले हैं, प्रयास ये करूँगा कि आप एक बार इनको लोकेशन वाइज देख लें, और यदि आप एक दो बार इसको देख करके अभ्यास कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में प्रवेश करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये भारत का क्षेत्रफल के आधार पे 15वां बड़ा राज्य है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी कितना क्षेत्रफल है, क्या है, ये सब कुछ समझेंगे। इसका टोटल क्षेत्रफल जो है वो है आपका 79,714 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। कितना, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी साथ साथ, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल टाइप की चीज़ें होती हैं। 797,714 किलोमीटर स्क्वायर, 79 मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 797,714 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड का टोटल क्षेत्रफल है। पहले 16वें स्थान पे आता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन हो गया और ये 15वें स्थान पे आ गया। तो अभी इसकी रैंक कितनी है, 15, कितनी है, 15वें स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर आता है। तो यहाँ पर टोटल 24 ज़िले हैं वर्तमान में और 5 प्रमंडल है, ठीक है। प्रशासनिक तौर पे किसी भी देश को विभाजित किया जाता है, जैसे हमारा भारत राष्ट्र है वो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है, ये बदलती रहती है संख्या, चेंज होती रहती है। और किसी भी देश को राज्य में बांट दिया जाता है, राज्य को प्रमंडल में बांट दिया जाता है, प्रमंडल को जिले में बांट दिया जाता है, जिले को अनुमंडल में या तहसीलों में बांट दिया जाता है, जैसे यहाँ पर अनुमंडल बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में तहसील बोला जाता है, और तहसील को ब्लॉक में बांट दिया जाता है, ब्लॉक गांव में, एक ब्लॉक में कई सारे गांव होते हैं। तो इस तरीके से प्रशासनिक जो हमारा ढर्रा है, प्रशासन को कैसे चलाना है, उस तरीके से विभाजित की गई हैं चीज़ें, तो इसको भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जो आपका झारखंड राज्य है यहाँ पर टोटल कितने हैं, 5 प्रमंडल है, पूरे झारखंड के 24 जिलों को 5 प्रमंडल में बांट दिया गया है। मैं एक एक प्रमंडल आप लोगों से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली चीज़ है ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये देखिए 5 राज्य हैं जिनसे सीमा साझा करता है, एक स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध समझते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट है ये। लैंड लॉक्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा हो रही है, और ऐसा नहीं कि इसके साथ तटीय सीमा साझा हो रही है, खुला समुद्र नहीं है इसके पास, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये तटीय राज्य हैं, है ना। यहाँ पे पोर्ट डेवलप हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, इंटरनेशनली यहाँ से ट्रेड नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ है, चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ है, तो एक स्थल रुद्ध राज्य है। अब इसमें पांच राज्य हैं आपके, कौन कौन से, पहला तो बिहार, इसके उत्तर में बिहार है, उत्तर में बिहार है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, जो कि गढ़वा वाले क्षेत्र से लगता है। इसके बाद इसके जो इसका पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिम वाले क्षेत्र में आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसके दक्षिण वाले क्षेत्र में, झारखंड के दक्षिण में ओडिशा है, और झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो टोटल 5 हैं, क्रम भी आपको याद रखना है, बिहार, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब 5 राज्यों में हम पहले एक बार एक एक प्रमंडल उठाते हैं। देखिए पलामू प्रमंडल है आपका, सबसे पहला है पलामू प्रमंडल, ठीक है।
पलामू के बाद दूसरा है आपका सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल ये आपका दूसरा है। इसके बाद तीसरा है आपका ये वाला हिस्सा दक्षिणी के नाम से है, ये पूरा का पूरा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, ये क्या है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये वाला हिस्सा जितना आप देख रहे हैं ये आपका है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो सबसे पहले पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल के पूरब में जाएंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और ये जो आपका हिस्सा है ये इसको बोलते हैं कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल अभी बना है, मतलब नया है, नवगठित है, पहले चार ही हुआ करते थे, अभी पांच बना दिए गए हैं कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। और इसका जो ये वाला हिस्सा है पूरा का पूरा जो पूरब वाला हिस्सा है झारखंड का, ये है संथाल परगना प्रमंडल। टोटल पांच प्रमंडल है, पहला है पलामू, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसके बाद आपका ये वाला हिस्सा जो है ये है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका ये हिस्सा जो है दक्षिण वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कोल्हान प्रमंडल, और इसका पूरब वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संथाल परगना, ठीक है। पहले कितना था, पहले दो ही चीज़ें थी, एक छोटा नागपुर प्रमंडल, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र था, और दूसरा क्या था आपका संथाल परगना। संथाल परगना भागलपुर से जुड़ा हुआ था, भागलपुर का हिस्सा हुआ करता था, और ये आपका छोटा नागपुर पठार हुआ करता था, लेकिन 18 जिलों के साथ सन 2000 में इसको एक नए राज्य की नए राज्य के तौर पे स्थापित किया गया, बिहार से अलग करके। वर्तमान में 24 हो चुके हैं, 24 जिले हो चुके हैं, ठीक। अब एक एक करके हर प्रमंडल पे कितने जिले हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं, और उस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका इससे भी पूछा जाता है मुख्यालयों से, तो दो तरीके के मुख्यालय, एक तो प्रमंडल का मुख्यालय ये अलग है, और जिलों का मुख्यालय अलग है, ठीक है। जिलों का मुख्यालय और प्रमंडल का मुख्यालय दोनों अलग अलग है। तो पहला है आपका पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल जो है आपका इसका मुख्यालय है आपका मेदिनीनगर, जो डाल्टनगंज है ना वही आपका है एक तरीके से। पलामू प्रमंडल पे तीन जिले आते हैं, ये सबसे छोटा प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल पे केवल तीन तीन जिले आते हैं, सबसे छोटे प्रमंडल है, ठीक है। तो पलामू प्रमंडल पे तीन जिले कौन कौन से हैं, एक तो पलामू खुद अपने आप में एक जिला है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, गढ़वा, गढ़वा आपका जो है ये आपका दूसरा हो गया, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया और लातेहार हो गया, ठीक है। लातेहार ये हो गए आपके टोटल, लातेहार ये आपके तीन जिले हो गए, पलामू गढ़वा लातेहार, पलामू गढ़वा लातेहार, पलामू गढ़वा लातेहार किसके अंतर्गत हो गए, पलामू प्रमंडल के लिए। इनका मुख्यालय कहाँ हो गया, इनका मुख्यालय हो गया मेदिनी नगर, ठीक, क्लियर। पहला प्रमंडल, ठीक, अभी आगे और बढ़ेंगे, ये आपका डाल्टनगंज वाला क्षेत्र यही है आपका मेदिनीनगर। दूसरा सबसे बड़ा प्रमंडल ये है, इसमें सात जिले हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है, सात जिले हैं। कौन कौन से सात जिले हैं, पहला है चतरा, ठीक है, चतरा के बाद है हजारीबाग, चतरा हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह धनबाद बोकारो रामगढ़। रामगढ़ सबसे छोटा जिला है, झारखंड का सबसे छोटा जिला क्या है, रामगढ़, ठीक है। तो एक बार ये सात के सातों को समझने का प्रयास करते हैं, चतरा हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह धनबाद बोकारो रामगढ़, ये कितने हो गए टोटल, सात, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय हजारीबाग है, मुख्यालय कहाँ पे है, हजारीबाग में, ठीक। पहले थे पलामू में तीन, इसमें हो गए सात। इसके बाद हम आते हैं, अगला है दक्षिणी छोटा नागपुर पठार का। दक्षिणी छोटा नागपुर पठार प्रमंडल पे पांच जिले हैं, कितने जिले हैं, पांच जिले। कौन कौन से हैं ये पांच जिले, पहला है आपका लोहारदगा, लोहारदगा गुमला, गुमला सिमडेगा खूंटी और आपका रांची, जो यहाँ की राजधानी है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए झारखंड की जो राजधानी रांची है, रांची आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक। लोहारदगा गुमला सिमडेगा रांची खूंटी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रांची में, ठीक। ये हो गए पांच जिले, क्लियर है।
स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल सबसे नवीनतम प्रमंडल है, नवगठित अभी किया गया है ये। इसमें तीन जिले हैं, पहला है आपका पश्चिमी सिंहभूमि, दूसरा है इसमें पूर्वी सिंहभूमि। सिंहभूमि जिले को दो भागों में बांट दिया गया है, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, और इसी से एक बना दिया गया है सरायकेला, सरायकेला। ठीक है, तो ये आपका जो है कितने हैं इसमें, तीन जिले। और इसका मुख्यालय जो बनाया गया है वो है चाईबासा। चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूमि का मुख्यालय है। ठीक है, चाईबासा को मुख्यालय बनाया गया है। किसका मुख्यालय, कोल्हान प्रमंडल का। तो कोल्हान प्रमंडल में तीन जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूमि, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूमि, जिसका मुख्यालय है चाईबासा में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूमि आपका इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा, यहीं पर आपका जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है। भारत में जो औद्योगिक रेवोल्यूशन कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ, झारखंड जो है खनिजों के दृष्टिकोण से भारत में सबसे ज़्यादा रिच है, सबसे ज़्यादा धनी है। इसको भारत का रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोहा, कोयला, बॉक्साइड, हर तरीके की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है। ठीक है, कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है, कोयला का सबसे ज़्यादा भंडारण भी करता है। ठीक है, यहाँ पे झरिया की खान है, रानीगंज की खान है, कई सारी खान है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो आपका ये हो गया, चार हो गए हमारे, पलामू हो गया, दूसरा आपका हो गया ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर पठार प्रमंडल, और ये आपका कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये है आपका कोल्हान प्रमंडल। चार हो गए। अब आपका बचा एक प्रमंडल बचा, इसका नाम है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल पे छह जिले हैं। संथाल परगना प्रमंडल पे कितने जिले हैं, छह जिले हैं। एक एक करके देख लेते हैं। एक तो देवघर है, हाँ, बाबा बैद्यनाथ की धरती देवघर। इसके बाद दुमका, जमतारा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। गंगा नदी जो है झारखंड से होकर के जाती है, लेकिन मात्र 83 किलोमीटर की दूरी गंगा नदी जो है झारखंड में व्यतीत करती है, बहुत ज़्यादा, वो भी साहेबगंज से। जब हम देखेंगे आगे तो साहेबगंज में 83 किलोमीटर लगभग जो है गंगा नदी प्रवेश करती है झारखंड में, और निकल जाती है फिर आपकी हुगली, एक ब्रांच आपकी निकल जाती है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, और एक ब्रांच चली जाती है बांग्लादेश में। जब फरक्का बैराज के पास से गंगा दो भागों में बंटती है, एक हिस्सा हुगली के लिए चला जाता है, एक हिस्सा जो है आपका बांग्लादेश के लिए जाता है, तो भारत में वहाँ पे गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। और फिर भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है ना। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक विडंबना है कि गंगा का प्रारंभ भागीरथी के नाम से होता है, और भारत में जब गंगा समाप्त हो रही होती है या भारत से बांग्लादेश प्रवेश कर रही होती है तो भी इसका नाम, अंतिम नाम भागीरथी ही होता है, फिर पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, चलो ये अलग विषय वस्तु है। यहाँ पे आपका पांचों मैंने प्रमंडल के बारे में आपको बताया। ठीक है, जो आपका संथाल परगना प्रमंडल है इसका मुख्यालय दुमका है, इसका मुख्यालय आपका दुमका। ठीक है, तो अब एक बार जो है इसको क्रम से समझने का फिर से प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कितने टोटल कितने हैं, 24 जिले। 24 जिलों को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, गढ़वा, पलामू, लतेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जमतारा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा। ये टोटल आपके कितने हैं, 24। क्लियर है, 24 है टोटल आपके यहाँ पर। अब एक चीज़ समझना है आप लोगों को, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा झारखंड के लगभग मध्य से होकर के जाती है। ठीक है, आप लोगों ने एक मेरा वीडियो देखा होगा, मैं कर्क रेखा पे ही खड़े होकर के वहाँ से मैंने एक शूट किया था। भारत की कर्क रेखा के साथ सभी अक्षांश रेखाओं को हमने वहाँ से पढ़ा था। एक जगह और मांझी,
रांची से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 20-30 किलोमीटर पड़ता है ओरमांझी, और ओरमांझी से कर्क रेखा जाती है। तो कर्क रेखा से भी क्वेश्चन आते हैं, कर्क रेखा भी, अब चूंकि कर्क रेखा पर्टिकुलर आपके राज्य से होकर के जा रही है तो राज्य में जिले भी पूछ सकता है और जिलों में किस शहर से होकर के जा रही है ये भी पूछ सकता है, कोई यदि फेमस शहर है तो भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसीलिए एक बार हम कर्क रेखा के बारे में भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि अभी हम राजनीतिक मानचित्र पे हैं और ये राजनीतिक मानचित्र की ही विषय वस्तु है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा समझते हैं, कर्क रेखा क्या होती है। हमारी धरती 23.5 डिग्री टिल्टेड है ना, 23.5 ऐसे नहीं है, सीधा नहीं, अक्ष अपने अक्ष पे झुकी हुई है हमारी धरती, और झुके हुए ही घूर्णन गति भी कर रही है और झुकी हुई परिक्रमण गति भी कर रही है। तो सूर्य जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या करता है, गति करता रहता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और जो 0 डिग्री होता है वो भूमध्य रेखा होता है, ये वृत्त होते हैं, अक्षांश रेखा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही जो आपका GPS प्रणाली है पूरा काम करता है। इसको लेकर मैंने सेपरेट क्लासेस ली हैं आप लोग की, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्रम से हम एक एक चीज़ को सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये कर्क रेखा आपकी, पहले तो ये तो पता है भारत में कितने राज्यों से होके जाती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से झारखंड जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड की रांची बिल्कुल नज़दीक है, कर्क रेखा में ही अवस्थित है ना, झारखंड की राजधानी। तो अब इसमें से कौन कौन से हैं जो आपका जाता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये है लातेहार, लातेहार जो है आपका, लातेहार, लोहारदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने जिलों से होके जाती है। कर्क रेखा जाती है लातेहार से, लोहारदगा से, रांची से, रामगढ़ से और बोकारो से। धनबाद से होके जाती है क्या, नहीं। टोटल कहाँ से होके जाती है, 5 जिले। ठीक है, 5 जिले कौन कौन से हैं, एक बार हम पश्चिम से पूरब का क्रम देख रहे हैं, लातेहार, लोहारदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। ठीक, अब इनसे पूछ लेता है कई बार कि इनमें से किस शहर से होकर के जाती है। तो लातेहार में एक जगह पड़ती है यहाँ पे बारादाउनी, बारादाउनी से होकर के जाती है। आमतौर पे आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ये, थोड़ा सा मैंने जो भी चीज़ें लगी हैं कि हाँ इस चीज़ पे और काम होना चाहिए और क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं तो उसको भी मैंने प्रयास किया है। तो लातेहार में बारादाउनी से होकर के जाती है, ठीक है। इसके बाद गुमला से, यहाँ पे गुमला है ना, माफ़ करिएगा, गुमला, अरे हाँ गुमला भी है, इस पे गड़बड़ हो गया, एक ये भी है आपका गुमला, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये तो छूट ही गया है ना, गुमला छूट गया आपका। तो टोटल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों से होकर के जा रही है। गुमला में दो जगह हैं आपकी जहां से होकर के जाती है, सबसे पहला है आपका मोरवाई और दूसरा है हापड़, दो जगह हैं, मोरवाड़, माफ करिएगा, मोरवाड़ और हापड़, मोरवाड़ और हापड़ से होकर के जाती है गुमला में। इसके बाद लोहारदगा में हिसाग एक जगह है, हिसाग से होकर के जाती है। रांची में 4 जगह है, एक है ठाकुर गाँव, दूसरा है पिथौरिया, तीसरा है उलातू और चौथा है ओरमांझी। ठीक है, ओरमांझी सबसे नज़दीक पड़ता है रांची के, तो ठाकुर गांव, पिथौरिया, उलातू और ओरमांझी, ये 4 जगहों से होकर के आपकी कर्क रेखा जाती है। रामगढ़ में आपका चामराम और गोला, ये दो जगह हैं, चामराम और गोला यहां से होकर जाती है। और बोकारो में हरनाड़ एक जगह है, हरनाड़, हरनाड़ से होकर के जाती है आपकी कर्क रेखा। तो एक बार फिर से देखते हैं, 6 जिलों से होकर जाती है। 6 जिले कौन है, लातेहार, गुमला, लोहारदगा, रांची, इसके बाद आपका बोकारो, उसके पहले रामगढ़। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया, आपका कितने 6 जिले हो गए। 6 जिलों में लातेहार जो आपका है, लातेहार से बारदाउनी, इसके बाद गुमला से मोरवाड़ और हापड़, इसके बाद आपका लोहारदगा से हिसाग, यहाँ पे आपका रांची, रांची से 4 जगह, ठाकुर गांव, पिथौरिया, उलातू और ओरमांझी, इसके बाद रामगढ़ से चामराम और गोला, इसके बाद आपका जो बोकारो वाला क्षेत्र है यहाँ पे एक जगह हरनाड़। ठीक है, इतनी जगहों से आपका क्या जाती है, कर्क रेखा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं कई बार, इसलिए इस चीज़ पर रिस्क नहीं लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो पूछा ही जाता है। तो अभी हमने क्या किया,
जितने भी राजनीतिक मानचित्र में पांचों प्रमंडल थे वो सारे देख लिए, और उनके अंदर अवस्थित जितने जिले थे सब देख लिए। ठीक, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा निकल के आया? उत्तरी छोटा नागपुर पठार का प्रमंडल। कितने जिले हैं? 7 जिले। दूसरे नंबर पे है संथाल परगना प्रमंडल। कितने जिले हैं? 6 जिले। इसके बाद है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, 5 जिले। और इसके बाद पलामू और आपका कोल्हान प्रमंडल, इसमें कितने कितने जिले हैं? 3-3 जिले। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, इतना बिल्कुल इजी है, आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपका ये राजनीतिक मानचित्र हो गया। एक बार अब मैं आपके आता हूँ इस वाले क्षेत्र में, ये है आपका प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र पे देखिए, ये जो आपका पठारी क्षेत्र दिख रहा है, इस पठारी क्षेत्र में भी कई सारे, अब देखो कोई भी पठारी क्षेत्र होता है, ये उच्चावच वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में बहुत सारे पठार हैं। जैसे रांची खुद एक पठार में अवस्थित है, हजारीबाग भी एक पठार में अवस्थित है, हजारीबाग का पठार है ना, कोलडामा भी पठारी क्षेत्र है। तो छोटा नागपुर पठार में बहुत सारे पठार यहाँ पे अवस्थित हैं, और ये क्षेत्र नदियों का उद्गम क्षेत्र है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि आपका दामोदर नदी को बंगाल का सोग भी कहा जाता है, तो यहीं से निकलती है। लातेहार के पास से ही आपकी दामोदर नदी निकलती है, या फिर स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। स्वर्णरेखा उड़ीसा की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी भी आपकी यहीं से निकलती है। ठीक है, इसके बाद जो है, तो अब एक बार हम थोड़ा सा प्राकृतिक मानचित्र में एक बार नदियों को सभी को एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक, देखिए सोन नदी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, तो सोन नदी का अपवाह तंत्र, कोई भी नदी अपना अकेले नहीं बहती है, उसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं और बहुत सारी वितरिकाएं होती हैं। बाद में वो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, जब अपने मुहाने में पहुंचती है तो उसकी गति मंद हो जाती है, क्योंकि अवसादों को जा करके वहाँ पर जमा कर देती है ना। तो सोन नदी जो आपकी है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और उसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉन्ग पर्वत है, ट्रू माउंटेन नहीं है, भ्रंश के कारण से बना हुआ पर्वत है ना। जमीन नीचे धंस गई तो उसका जो उठा हुआ हिस्सा है वो पर्वतनुमा लग रहा है। ठीक है, और उसी पर नर्मदा बहती है भ्रंश घाटी पे, है ना। इसीलिए नर्मदा अरब सागर में जल गिराती है, अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जल गिराती है। तो आपका जो ये सोन नदी है, ये भी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और अमरकंटक से निकलते हुए ये गंगा नदी में जाकर के पटना के पास मिल जाती है। जब आप पटना में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सोन का बहुत बड़ा घाट है, बहुत विशाल है ना। उतना गंगा का घाट भी बहुत बड़ा है, लेकिन सोन भी अपने आप में एक विकराल रूप में वहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक से निकलती है सोन, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी, बहुत प्रमुख नदी है, उत्तरी कोयल नदी भी देखेंगे। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ की। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची के पठार के लगभग मध्य से निकलती है। ये आपकी उत्तरी कोयल नदी है, तो रांची के पठार के लगभग मध्य से निकलती है और ये सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। इसमें भी दो तीन छोटी छोटी नदियां हैं, हर नदी की अपनी खुद की सहायक नदियां होती हैं। तो यहाँ पे एक औरंगा नदी है, कोयल नदी, उत्तरी कोयल दो हैं, उत्तरी कोयल अलग है, दक्षिणी कोयल अलग है। ठीक है, दो प्रमुख नदियां हैं, एक उत्तरी कोयल नदी है और एक दक्षिणी कोयल नदी है। मेरा एक बड़ा मतलब विचार था, इस बार मैं बिहार गया तो ये पूरा नहीं कर पाया सपना। मेरा एक सपना है कि सेल्फी विद रिवर, मतलब नदियों के साथ सेल्फी लेने का। इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, और अभी तक मैं लगभग कम से कम नहीं होगा तो 30 से 40 बड़ी नदी, जो मेजर नदियां हैं, सभी नदियों तक मैं गया। लेकिन ये था कि कभी एक याददाश्त होती है, जैसे गंडक जब मैंने देखी थी तो गंडक के पास लग रहा था कि एक बार फ़ोटो खिंचवा लेनी चाहिए, तो नदी तो आगे फ़ोटो नहीं खींचेगी, वो तो खुद ही को करना पड़ेगा। तो अब ये मैं कैंपेन चालू करूँगा सेल्फी विद रिवर, जिसके तहत इंडिया की जितनी भी नदियाँ हैं ना, एक बार कवर करनी है पूरी, और जो भारत दर्शन कार्यक्रम है इसमें बड़ा सहयोग करेगा। सेल्फी विद रिवर, सेल्फी विद माउंटेन, झरनों के साथ भी सेल्फी हो सकती है, है ना, प्रकृति के साथ एक बहुत अच्छा भव्य नज़ारा है। अब जैसे हजारीबाग के पठार से मैं गुजरा तो, लेकिन पठार के साथ सेल्फी नहीं हो पाई, वो रह गया मामला। तो अब मैंने ये प्लान किया है कि गाड़ी के साथ रुकते हुए
सेल्फी जरूर लेनी है ताकि ज़िंदगी भर याद रहे कि हाँ भाई मिल के आए थे। झारखंड आप गए थे ना? हाँ मैं झारखंड भी गया था, झारखंड का शायद मीटअप भी था, 4 अप्रैल को मीटअप था आपका, है ना। पटना में हम 1 अप्रैल को थे, और इस कोविड का सब प्रकोप है, नहीं तो यहाँ पे बिहार बहुत बड़ी संख्या रहती थी, बिहार के बच्चों की संस्थान में आपके बिहार रहता था, झारखंड से भी बच्चे यहाँ पे थे, और उसी टाइम पे फिर सब लोग यहाँ से चले गए। ठीक है, क्या करेंगे। तो पटना हम लोग गए, पटना बहुत अच्छा मीटअप रहा, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए। कोविड के दौरान भी कंडीशन ऐसी थी, हमें लग नहीं रहा था कि चीज़ें ऐसी है, लेकिन हम लोग बाकायदा परमिशन के साथ गए थे। फिर 4 अप्रैल को आपका रांची में मीटअप हुआ, उसी दौरान भारत दर्शन के लगभग कितने 17 से 18 में शूट करके भी लाया था आपका, लगभग लगभग मेरी कोशिश ये थी कि कुछ छोड़ूँ ना, बक्सर के मैदान से लेकर के बोध गया तक मैंने कवर किया था, है ना। तो एक वो अलग है, मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एजुकेशन को एक नया डायमेंशन दिया जाए, उस डायरेक्शन पे किया गया कार्य है, और आने वाले समय में मेरा प्रयास ये है कि मैं इंडिया को पूरी तरीके से भारत दर्शन के माध्यम से आपको पढ़ाऊँ, है ना। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खड़े होकर के पढ़ाऊँ, मैं आपको सिक्किम में खड़े होकर के पढ़ाऊँ, कंचनजंगा चोटी में खड़े होकर पढ़ाऊँ, ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के ये एक थॉट प्रोसेस है। और यदि ये सपना पूरा होता है तो फिर इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन IR चालू करते हैं, नेपाल में खड़े होकर भारत नेपाल संबंध, है ना, भूटान में खड़े होकर के भारत भूटान संबंध, ऐसे करके एक एजुकेशन का स्वरूप देना है, और ये शायद मेरे ख्याल से पूरा होगा सपना, ऐसा नहीं होगा बस कोविड में ना निपटे तो कर ले जाएंगे, इस बार तो लग रहा था कि हम भी गए। ठीक है, तो ये आपका जो है सोन नदी है, कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसकी सहायक नदी उत्तरी कोल नदी है, और ये जो है इसका अपवाह क्षेत्र जो आपका है सोन नदी का, यहाँ पे पलामू वाला क्षेत्र और गढ़वा वाला क्षेत्र, पलामू और गढ़वा वाला क्षेत्र इसका अपवाह क्षेत्र है, इसका अपवाह तंत्र का क्षेत्र है, ठीक है, सोन नदी का। तो सोन नदी भी देखा जाए तो एक रोल अदा करती है झारखंड के जो है क्षेत्र में। इसके बाद जो है आपका दूसरा है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जैसा कि मैंने आपको बताया कि रांची के पठार से लगभग मध्य से निकलती है, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। देखो दो चीज़ें होती हैं नदियों का, एक उद्गम क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, दूसरा उसका मुहाना। मुहाना मतलब लक्ष्य, हर नदी का एक लक्ष्य होता है, और नदी का लक्ष्य होता है समुद्र से मिलना, हर नदी का लक्ष्य यही होता है। एक ही नदी है भारत में, लूनी, लूनी है, घग्गर है, अंतःस्थली नदियाँ हैं, ये नदियाँ जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, जल पूर्ति का अभाव ये मान सकते हैं, जल है ही नहीं, पानी है ही नहीं, सूखी हुई नदी थोड़ा ना मिलेगी, है ना। तो अंतःस्थलीय नदियां, और कई जगह पे लूनी जो है गायब भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पे जो भी नदी होती है वो किसी न किसी माध्यम से समुद्र तक पहुँचती है, या तो स्वयं पहुँच जाती है या फिर किसी की सहायक नदी बन जाती है, कि देखो मेरे बस का तो नहीं है समुद्र तक पहुँच पाना, एक काम करो तुम मुझे ले चलो, है ना। जैसे कि दामोदर है, दामोदर जाके हुगली में मिल जाएगी, लेकिन स्वर्णरेखा कहती ना मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, वो अकेले बंगाल की घाटी तक जाती है, है ना। तो नदियां जो हैं उनका एक टारगेट है पर्टिकुलर, गंगा है कितनों को ले जाती है, सबको तारती है, सब नदी जाके बस गंगा में, बस हम नहीं जा पाएंगे, गंगा के साथ मिल गए, है ना। तो नदियों का एकमात्र लक्ष्य एक टारगेट है समुद्र के साथ मिलना, और ये सब होता कैसे है, ये सब है आपका उच्चावच और ढाल, उच्चा और ढाल के कारण से चीज़ें एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। ये आपका छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली हैं। उत्तर कोयल नदी यहीं रांची के पठार के मध्य से निकली है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और सोन नदी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी दो सहायक नदी हैं, पहली है अमानत नदी, दूसरी है औरंगा नदी। किसकी है? उत्तरी कोयल नदी की दो सहायक नदियां हैं, और ये गढ़वा वाले क्षेत्र में, पलामू वाले क्षेत्र में और लातेहार वाले क्षेत्र में इसका अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो तीन अपवाह तंत्रों को प्रभावित करती है, तीन क्षेत्रों को, पलामू को, गढ़वा को, लातेहार को। ठीक है, क्लियर है। अगला है, एक नदी यहाँ से निकलती है आपकी पलामू से ही, पलामू के उत्तरी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, बिहार में गंगा नदी में जाके मिलती है, जिसका नाम है पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन पलामू से निकलती है, तो मान सकते हैं कि झारखंड में योगदान है इस नदी का, झारखंड के अपवाह तंत्र में। तो पुनपुन नदी पलामू के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है, गंगा में जाके मिल जाती है, और यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ, पुनपुन की दो सहायक नदियाँ हैं, एक है आपकी दारधा नदी और दूसरी है मोरहर। ठीक है, और अपवाह तंत्र जो इसका है वो लगभग यहाँ पे एक जो है ये है आपका चतरा, चतरा वाले क्षेत्र में है आपकी पुनपुन का अपवाह तंत्र। इसके बाद आपका
नहीं, पुनपुन का आपका जो है ये दरधा और मोरहर, ये दो जगहों पे, और चतरा औरंगाबाद गया पटना इस क्षेत्र में, ये जाके बिहार में गंगा से मिल जाती है पुनपुन। इसके बाद एक प्रमुख नदी है फल्गु। फल्गु का नाम आपने सुना होगा। फल्गु नदी के कई नाम हैं, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है फल्गु को। और आपको पता होगा जैसे अभी पितृपक्ष चालू हो जाएगा, और पितृपक्ष में हमारे यहाँ पे जो हमारे पूर्वज हैं उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है ना। और श्राद्ध कर्म के लिए अंतिम जो होता है वो आपका गया वाले क्षेत्र में, बोध गया और गया वाले क्षेत्र में, उस क्षेत्र में गयासुर नामक राक्षस, पौराणिक कथाएं हैं, तो लोग वहां पे जाते हैं। तो फल्गु नदी में लोग स्नान भी करते हैं, और इसी के किनारे जो है पितर पक्ष और ये पितर मिलन, ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरी प्रक्रिया है। तो फल्गु नदी बड़ी फेमस नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार रीजन से निकलती है, और ये पुनपुन में जाके मिल जाती है। तो फल्गु पुनपुन की सहायक नदी है, ठीक है, इसलिए पुनपुन मैंने यहाँ पे रखा। पुनपुन आपकी गंगा की सहायक नदी है, और फल्गु किस में जाके मिलती है आपकी, पुनपुन में मिलती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, और आपको शायद पता होगा कि महावीर स्वामी जो तप कर रहे थे इसी नदी के किनारे कर रहे थे, साल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ही वो तप कर रहे थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में मिली थी, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और निरंजना नदी, मोहना नदी इसकी सहायक नदियां हैं फल्गु की, और पितृपक्ष के समय लोग स्नान और पिंड दान करने के लिए इस नदी के का विशेष महत्व मानते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लंबी नदी जो आपकी है, सबसे बड़ी नदी जो आपकी झारखंड की है, वह है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी यहां पे लातेहार और लोहारदगा का जो एक सीमाई क्षेत्र है, लातेहार और लोहारदगा के सीमाई क्षेत्र से, ये मतलब छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र से, लातेहार क्षेत्र से निकलती है, और यहां पे एक जगह है चूल्हा पानी, है ना, लातेहार के पास एक जगह है चूल्हा पानी, चूल्हा पानी वाले क्षेत्र से निकलती है, जो कि छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है, और यहां से निकलने के बाद हुगली में अपना, है ना, हुगली के साथ मिल जाती है, उसकी सहायक नदी बन जाती है, यानी इसका मुहाना हुगली नदी है, और ये निकलती है चूल्हा पानी से, दामोदर नदी। ये सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, ये एक बायोलॉजिकल डेजर्ट का निर्माण करती है, जैविक मरुस्थल जहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं, इतना प्रदूषण है इसमें, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है इसके किनारे पूरा का पूरा इस नदी के, ठीक है। तो इस नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसको देव नदी बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस पे दामोदर नदी घाटी परियोजना जब से बनी, जिसमें बहुत सारे बांध बनाए गए, है ना, पंचेत बांध बनाया गया, मैथन बांध बनाया गया, दामोदर नदी घाटी में लगभग 8 से 9 बांध बनाए गए, तिलैया बांध बनाया गया, तो ये सब बांधों के कारण से ये जो है अब आज के टाइम पे इस क्षेत्र को सिंचित भी कर रही है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो दामोदर नदी चूल्हा पानी वाले क्षेत्र में लातेहार या लोहारदगा से निकलती है, हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में बराकर नदी है, यहाँ से एक बराकर नदी निकल के आती है, बराकर नदी छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र से ही निकलती है और दामोदर नदी में मिल जाती है। इसके बाद बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, ऐसे करके जमुनिया नदी, ऐसे करके 3-4 नदियाँ हैं जो इसकी प्रमुख हैं। मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी भी दामोदर पे ही जाके मिल जाती है। तो ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की, और ये भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर इसका टोटल अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये हजारीबाग वाले क्षेत्र को, ये गिरिडीह वाले क्षेत्र को, धनबाद वाले क्षेत्र को, बोकारो वाले क्षेत्र को, लोहारदगा वाले क्षेत्र को, लातेहार वाले क्षेत्र को और रांची वाले क्षेत्र को प्रभावित करती है, वहाँ पे इसका अपवाह तंत्र है, ठीक है। तो दामोदर झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। इसके बाद एक नदी है आपकी स्वर्ण रेखा, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र से निकलती है स्वर्ण रेखा, और स्वर्ण रेखा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है, ठीक है। यानी कि झारखंड की एकमात्र नदी जो कि स्वतंत्र रूप से यहां से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, वो कौन सी है? स्वर्ण रेखा। उड़ीसा की एक प्रमुख नदियों में से एक है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये नगड़ी रांची के पास से निकलती है, एक जगह है नगड़ी, छोटा नागपुर पठार पे ही रांची के पठार के पास एक जगह है नगड़ी,
ठीक है, नगरी क्षेत्र से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, और नगरी क्षेत्र से ये आप देख रहे हैं, ये है स्वर्ण रेखा नदी, यह है नगरी क्षेत्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसकी कई छोटी छोटी सहायक नदियां जैसे कांची नदी है, खरकाई नदी है, जुमार नदी है, रारू नदी है, ऐसे करके कई नदियां हैं। ये रांची वाले क्षेत्र में सिंहभूमि वाला, ये पूरा सिंहभूमि वाला क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र के पास औद्योगिक शहर आपके विकसित हैं, जो आपका जमशेदपुर हो गया, ये सारे स्वर्णरेखा नदी के पास ही हैं। ठीक है, तो सिंहभूमि क्षेत्र, और ऐसा माना जाता है कि इस नदी के जो बालू वाला, इसका जो सिल्ट वाला क्षेत्र है, उसमें सोना पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्णरेखा भी है। ठीक है, तो भारत में जो सोना पाया जाता है वो, तो जब आप लोगों का BPSC, UPPSC, MPPSC, IAS एग्जाम ना हो पाए, तो आप स्वर्णरेखा नदी के किनारे अपना खदान लगा सकते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पे सोना भी पाया जाता है, सोने के अंश पाए जाते हैं, इसी कारण से इसको स्वर्णरेखा कहते हैं। ठीक है, और इसी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर ही रांची में हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो हुंडरू जलप्रपात नहीं है, कई जगह पे दिया गया है। यहाँ पे एक जलप्रपात है, यहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाग जलप्रपात, वो लातेहार में पड़ता है बूढ़ा घाग। ठीक है, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो ये हो गई आपकी स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, इसके बाद बराकर नदी आपकी है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलती है, दामोदर में मिल जाती है, और लोहारदगा, गुमला, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूमि, रांची, इन सब क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसके बाद मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जानते हैं, मयूराक्ष का मतलब मोर ही होता है। ये त्रिकुट पहाड़ी वाले क्षेत्र से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी देवघर वाले क्षेत्र से निकलती है, यहाँ पे देवघर में, यहाँ पे है त्रिकुट पहाड़ी क्षेत्र। तो त्रिकुट पहाड़ी क्षेत्र से ये नदी निकलती है देवघर से, और हुगली नदी की सहायक नदी है मयूराक्षी नदी, हुगली में जाके मिल जाती है। मयूराक्षी कहाँ मिलती है? हुगली, हुगली की सहायक नदी है मयूराक्षी, और ये जो है इसकी छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदी है मयूराक्षी की, एक धोबाई नदी है, टिपरा नदी है, भ्रामरी नदी है, पुरसो नदी है, दौनो नदी है, ऐसे करके कई सारी नदियां हैं। दुमका साहेबगंज वाला क्षेत्र है, देवघर वाला क्षेत्र है, गोड्डा वाला क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र इसका अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है मयूराक्षी के। तो मयूराक्षी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और हुगली में जाके मिल जाती है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी ये दुधुआ पहाड़ी से निकलती है, ब्राह्मणी नदी भी यहाँ की एक प्रमुख नदियों में से एक है, और दुधुआ पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है ब्राह्मणी नदी, और दुधुआ पहाड़ी क्षेत्र से निकलने के बाद हुगली नदी में मिल जाती है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी भी हुगली में जाके मिल जाती है पश्चिम बंगाल में, और गुमरो और एरो क्षेत्र जो है, गुमरो और एरो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, ये सारे क्षेत्रों को ये प्रभावित करती है, क्षेत्र में इसका अपवाह तंत्र है। इसके बाद एक नदी है आपकी, ये इसका नाम है शंख नदी, शंख नदी है ना, शंख नदी, और यहाँ पर है दक्षिण कोयल नदी, ये दो नदियाँ हैं। दक्षिण कोयल नदी शंख नदी में जाके मिल जाती है। तो जो आपकी दक्षिण कोयल नदी है ये भी आपकी नगरी रांची के पास से निकलती है, नगरी रांची के पास से आपका स्वर्णरेखा भी निकलती है, और यहीं से आपकी दक्षिणी कोयल भी निकलती है। तो दो है कोयल, उत्तरी कोयल जो है आपकी सोन में जाके मिल जाती है, दक्षिणी कोयल आपकी शंख नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो जो आपकी दक्षिणी कोयल नदी है नगरी रांची के पास से निकलती है, शंख नदी जो कि उड़ीसा की प्रमुख नदी है वहाँ पर जाके मिल जाती है। कारो इसकी एक सहायक नदी है, और लोहारदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूमि और रांची को ये प्रभावित करती है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी। इसके बाद ये वाला, ये है आपकी शंख नदी। शंख नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है आपका गुमला वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक चैनपुर वाला जगह है, चैनपुर से ये निकलती है, गुमला में चैनपुर वाले क्षेत्र से निकलती है शंख नदी, और ये जो है शंख नदी जो है दक्षिणी कोयल नदी के साथ मिल जाती है, ऐसा ही कह सकते हैं, दोनों नदियाँ चूंकि एक साथ मिलती हैं तो दक्षिणी कोयल शंख में, या फिर शंख दक्षिणी कोयल में जाके मिल जाती है, ऐसा मुहाना इनका बताया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये शंख नदी जो आपकी है, इससे ये आपका दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, गुमला, इन सिमडेगा, इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसके बाद एक नदी और है यहाँ की, अजय नदी। ठीक है, एक नदी आपकी अजय नदी है। अजय नदी का उद्गम होता है बिहार से, मुंगेर जिला है, मुंगेर से होता है अजय नदी का, मुंगेर से निकलती है और भागीरथी में जाके मिल जाती है। भागीरथी क्या है?
गंगा ही है। भारत में गंगा जो पश्चिम बंगाल में उसको भागीरथी कहते हैं, तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। कटवा पश्चिम बंगाल के पास ये जाकर के भागीरथी में मिल जाती है। और ये जो है आपका इसका अपवाह क्षेत्र जो है देवघर दुमका इन सब क्षेत्रों में इसका अपवाह क्षेत्र है। तो ये आपकी प्रमुख नदियाँ हैं सारी की सारी। कौन कौन सी नदी हमने देखी, एक तो सोन नदी थी। गंगा नदी जो आपकी है ना निकलती तो बहुत दूर से है ना, अंतर्राज्यीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में सतोपर ग्लेशियर के पास गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इंडिपेंडेंट नहीं निकलती है ना, कि गंगा ही नाम से निकलती है। गंगा बनती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दो नदियाँ आकर के आपस में मिलती हैं। एक तरफ आपने देखा होगा, एक भारत दर्शन का वीडियो है जिसमें मैं देवप्रयाग में ही खड़ा हूँ, वहाँ पे एक तरफ से भागीरथी आ रही है, दूसरी तरफ से आपकी अलकनंदा आ रही है। दोनों का संगम होता है, गंगा कहलाती है, वहीं से गंगा बन जाती है। तो उत्तराखंड में देवप्रयाग से गंगा नदी निकलती है, फिर इसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर आगे आपका बिहार, बिहार के बाद झारखंड में साहेबगंज वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ बहुत प्रदूषित हो जाती है, बहुत बुरा हाल है। नमामि गंगे योजना का पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो ये सिर्फ 83 किलोमीटर क्षेत्र में है, और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में हुगली फरक्खा वाले फरक्खा क्षेत्र से ये हुगली में, और वहाँ भागीरथी, फिर पद्मा, फिर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र से मिलने, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना के नाम से रहती है, जमुना से मिलती है। जमुना और यमुना अलग अलग चीज़ है। यमुना नदी प्रयागराज संगम में गंगा से मिल जाती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। और जमुना कहाँ से निकलती है, ये उसको सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, है ना। मानसरोवर झील के पास से सांगपो निकलती है तिब्बत से, फिर दिहांग दर्रे के पास से अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से असम वाले क्षेत्र में, और असम से धुबरी से प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में मिल जाती है गंगा पद्मा के साथ, और पद्मा और इसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। तभी एक और नदी आती है मणिपुर पहाड़ियों से होते हुए जिसको मेघना नदी कहते हैं। मेघना और इन दोनों का संगम मिलकर मेघना कहलाता है। और हुगली और मेघना का जो है दोनों का डेल्टा है जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। हुगली और मेघना का डेल्टा है, गंगा नदी का ही इतना बड़ा विस्तार है, ठीक है। ये हो गई गंगा नदी, ये सारी नदियां हो गई हमारी। सोन नदी हो गई, उत्तरी कोयल हो गई, दक्षिणी कोयल हो गई आपकी, इसके बाद दामोदर नदी हो गई, मयूराक्षी हो गई, बराकर हो गई, अजय हो गई, स्वर्णरेखा हो गई, ठीक है। इस सारी की सारी नदियां हो गई। अब देखो छोटा नागपुर पठार, ये जो है आपका जो झारखंड है, पठार तो समझते ही है ना। उच्चावच में तीन प्रमुख चीज़ें हैं, पहला है मैदानी क्षेत्र समतल क्षेत्र है ना, दूसरा है आपका पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा है आपका पठारी क्षेत्र। पठार जो है समतल से उच्च होते हैं, उठे हुए क्षेत्र होते हैं, उच्च भूमि क्षेत्र होते हैं, लेकिन ऊपर से समतल होते हैं, टेबल नुमा आकृति होती है, ठीक है। तो जो आपका झारखंड है अधिकांशतः पठार ही है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च भूमि क्षेत्र हैं, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर पठार पे ही खूब सारे पठार हैं, रांची का पठार, सिमडेगा का पठार। यहाँ पे आपका जो देवघर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, गिरिडीह उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और पारसनाथ की पहाड़ियों में झारखंड का सर्वोच्च शिखर है जिसको नाम है पारसनाथ। पारसनाथ जानते कौन थे, पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पर, ये जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र के तौर पर भी है ना, उन्हीं के नाम पे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, तप की, तो उन्हीं के नाम पे इसको पारसनाथ रखा गया है। तो झारखंड की सर्वोच्च चोटी जो है वो गिरिडीह जिले में है, पारसनाथ की पहाड़ियों में है, पारसनाथ के नाम पे है। कितनी है, 1365 मीटर। तो झारखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, पारसनाथ, ठीक है, याद रखना है पारसनाथ 1365। कभी भी जाइए, घूम के आइए, मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल ज़बरदस्त जगह है, ठीक है। तो पारसनाथ 1365, ठीक, क्लियर है। तो ये आपका, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, एक रेंज आपकी यहाँ पे पोरहाटन हिल्स हैं, कई सारी छोटी छोटी हिल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, पोरहाटन हिल्स है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये सारंदा हिल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका डालमा रेंज है, ठीक है। तो छोटी छोटी कई सारी रेंज भी हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर पठारी क्षेत्र ही है। टाइगर हिल्स पाई जाती हैं आपकी रांची में, टाइगर हिल्स हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गई बेसिक आपको मैप के बारे में जानकारी, मानचित्र के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक। एक आपका राजनीतिक मानचित्र,
कहाँ पे क्या है, और दूसरा आपका अब एक बार थोड़ा सा झारखंड के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ना चालू करते हैं कि झारखंड में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, मैं तथ्य आपको बताता जाऊंगा, बस सुनना है, आत्मसात करना है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि 2 घंटे में आपको झारखंड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज, झारखंड में 2 आदिवासी नेता बहुत पूजनीय हैं, एक तो सिद्धू और कान्हू और दूसरा बिरसा मुंडा। ठीक है, भगवान का दर्जा भी बिरसा मुंडा को दिया जाता है। तो जो आदिवासी नायक थे बिरसा मुंडा जी, इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है, और इसी 15 नवंबर को ही झारखंड का सृजन हुआ। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के दिन क्या किया गया, सृजन किया गया। ठीक है, भारत के 28वें राज्य के तौर पे राज्य का गठन हुआ, बिहार राज्य से अलग करके इस पूरे बनाच्छादित प्रदेश को, पठारी प्रदेश को, खनिज प्रदेश को, भारत के रूर प्रदेश को अलग कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो भारत के पूर्वी हिस्से में है, बिहार के दक्षिण हिस्से में है। भारत का पूर्वी हिस्सा, भारत को मानचित्र पे आप देखेंगे तो पूरब में पड़ता है, पूर्वी ईस्टर्न इंडिया है ये, और बिहार का दक्षिण वाला हिस्सा है, बंगाल का पश्चिम वाला हिस्सा है, और ये पूरी तरीके से पठारी भाग है। यही पठारी भाग आपका झारखंड के तौर पे कहा जाता है। तो दक्कन के पठार का विस्तार है, मालवा के पठार का हिस्सा है ये। ठीक है, ये जो है आपका, और झारखंड में कुलमाड़ी भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य होता है जंगल या झाड़ी, इसलिए झाड़ और जंगलों का प्रदेश भी इसे कहा जाता है। और झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, हमारे जो पुराण हैं, बहुत सारे पुराणों में भी झारखंड के प्राचीन नाम बहुत मिले हैं, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला जाता था, पुंड्रू प्रदेश या पुंड प्रदेश के नाम से जानते थे। ठीक है, अभी आएंगे उस तरफ कि इसके कितने नाम थे, क्या थे, नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। ठीक है, भारत के राज्यों के राज्य संघ के क्रम पे 28वें राज्य के तौर पे इसका सृजन हुआ। 27वां राज्य कौन सा था, उत्तराखंड, है ना, और 26वां राज्य आपका कौन सा था, छत्तीसगढ़, है ना। पहले 1 नवंबर सन 2000, फिर 9 नवंबर सन 2000 और 15 नवंबर सन 2000। 25वां राज्य कौन सा था, गोवा, है ना। 29वां राज्य कौन सा था, तेलंगाना, सन 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए, कम से कम जानकारी होनी चाहिए। तो 28वें राज्य के तौर पे इसको बनाया गया, राजधानी रांची बनाई गई, बहुत सारी उपराजधानियां बनाई गई। अभी तो उपराजधानी दुमका है इसकी, है ना, दुमका प्रदेश जो कि आपका संथाल परगना का हिस्सा है, इसकी उपराजधानी है, लेकिन बहुत सारी अभी प्रस्तावित हैं। बाकी भी कह रहे हैं कि हमें भी दर्जा दो उपराजधानी का, ये समझ में नहीं आता, कोई नेता नगरी थोड़ा ना चल रही है। ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ, प्रमुख शहरों के तौर पे कैटेगरी पे रख सकते हैं आप इनको। तो प्रस्तावित जो आपकी उपराजधानी, एक तो मेदिनी नगर है, डाल्टनगंज वाला क्षेत्र, चाईबासा है, गिरिडीह है। अब ये चीज़ थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे बार बार मैं चाईबासा कह रहा हूँ, पश्चिमी सिंहभूमि का मुख्यालय आपका चाईबासा है, या फिर कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है, पश्चिमी सिंहभूमि जिले का मुख्यालय चाईबासा है। तो चाईबासा कहाँ पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूमि में। ठीक है, और कोल्हान प्रमंडल का भी मुख्यालय चाईबासा ही है। ठीक है, तो प्रस्तावित आपकी मेदिनी नगर है, चाईबासा है, गिरिडीह है। औद्योगिक राजधानी के तौर पे जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ही टाटा के द्वारा टिस्को का प्रारंभ किया गया। स्टील नगरी के तौर पे, इस्पात नगरी के तौर पे भी जमशेदपुर को हम जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो रांची में है, भारत का 21वां हाई कोर्ट है जो रांची में स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो राजभाषा है हिंदी है, द्वितीयक राजभाषा के तौर पे उर्दू है, और बाकी सारी बहुत सारी अन्य 16 भाषाएं हैं, सबका नाम बताना ठीक नहीं है। मुंडारी है, कुडुक है, संथाली है, हो है, खेरवा है, पंच है, गनिया है, तो ये भाषाएं जो है आदिवासियों के द्वारा बोली जाती हैं, वो भाषाएं हैं, लेकिन जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है, और द्वितीयक भाषा का दर्जा मिला है उर्दू को। ठीक है, इसके बाद नवगठित प्रमंडल जो है आपका अभी बना है, कोल्हान प्रमंडल,
ठीक है, टोटल प्रमंडल 5 थे और राज्य का जब गठन हुआ था सन 2000 में तब 4 थे, एक नया बना है कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, जिलों की संख्या जब राज्य का गठन हुआ था तब 18 थी, वर्तमान में 24 है, डिस्कस हम कर चुके हैं। अनुमंडल मतलब तहसील है, तहसील या अनुमंडल है। अनुमंडलों की संख्या 45 है, राज्य के गठन के समय अनुमंडलों की संख्या 33 थी, अभी कितनी है 45। ये बहुत बेसिक है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें, तो 45 है। इसके बाद प्रखंडों की संख्या 263 है, 263 प्रखंड है। पहले 264 प्रखंड होते थे, लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, अभी इन्होंने झरिया प्रखंड को धनबाद नगर में मिला दिया है, धनबाद नगर निगम में इसको झरिया प्रखंड को मिला करके, तो अभी टोटल प्रखंडों की संख्या या ब्लॉक की संख्या कितनी है 263 है। ठीक है, इसके बाद अधिसूचित प्रखंड, या चूंकि जनजातीय क्षेत्र है तो बहुत सारे शेड्यूल्ड प्रखंड बनाए गए, शेड्यूल्ड ब्लॉक बनाए गए हैं, तो अधिसूचित प्रखंड की संख्या 132 है। ठीक है, ये बहुत बेसिक फैक्ट है, ये फैक्ट रटे होने चाहिए। टोटल प्रखंडों की संख्या कितनी है 263, अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 132 है। गांवों की बात करें तो देखो ये ग्रामीण आबादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 75% के आसपास आबादी गांव में ही रहने वाली है। ठीक है, शहरी आबादी बहुत कम है, तो गांवों की संख्या है 32,620 टोटल गाँव है, अभी लेटेस्ट डेटा यही है, 32,620 गाँव हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या है 4,402। ठीक है, और एक संस्था है आपकी पंचायती राज विभाग, उसने कहा है कि 4,559 है, तो ये दो डेटा मिलेगा, गड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि किताबों की बहुत बुरी हालत है झारखंड में, कोई भी किताब सही से अपडेट नहीं है। तो ये जितना भी डेटा मैं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च है, आपके इंटरनेट और दुनिया भर के कम से कम दसियों सोर्स से मैंने पता किया है, तब जाके डेटा निकल के आया है। ठीक है, न्यूनतम इरर्स होने की संभावना है जो मैं डेटा दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत है 4,402 टोटल, ठीक है, और पंचायती राज विभाग के हिसाब से 4,559। इसके बाद अधिसूचित पंचायतों की संख्या है 2,071, टोटल अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2,071 है। जिला परिषदों की संख्या की बात करें तो टोटल 24 हैं, जिला परिषदों की संख्या टोटल 24 है। जिला परिषदों के बाद जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545 है, जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545 है। नगर परिषदों की संख्या 21 है, नगर पंचायत की संख्या 21 है। इसके बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1 है, यहाँ पे अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है। छावनी बोर्ड की संख्या भी 1 है, कैंटोनमेंट एरिया भी है यहाँ पे रामगढ़ में। ठीक है, नगर निगमों की संख्या 9 है, टोटल 9 नगर निगम है यहाँ पे, कौन कौन से, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर। आदित्यपुर आपका ये जमशेदपुर वाला क्षेत्र है, जमशेदपुर में जो औद्योगिक शहर है इसको आदित्यपुर के नाम से जानते हैं, तो ये नगर निगम के तौर पे इसको स्थापित किया गया है। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास आपका जो है ये पड़ता है, चास आपका पड़ता है बोकारो में। ठीक है, बोकारो में चास नगर निगम क्षेत्र पड़ता है। मेदिनी नगर आपका यही है, डाल्टनगंज, हजारीबाग हो गया आपका, मानगो हो गया, मानगो भी आपका जमशेदपुर में ही पड़ता है, जमशेदपुर में ही मानगो एक नगर निगम क्षेत्र है। तो आपका ये वाला जो पूर्वी सिंहभूमि क्षेत्र है यहाँ पे दो हो गए, एक आदित्यपुर शहर हो गया औद्योगिक शहर और दूसरा आपका मानगो हो गया। इसके बाद आपका गिरिडीह जिला, तो टोटल ये 9 हो गए, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। ठीक है, कुल शहरी स्थानीय निकायों की बात करें तो 51 है इनकी संख्या। राज्य विधायिका का जो स्वरूप है, राज्य विधायिका यहाँ पे एक सदनीय है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो विधायिका है ये द्विसदनीय है। ठीक, और राज्य स्तर पे भी विधायिका द्विसदनीय हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है, आप एक सदनीय भी रख सकते हो, स्पष्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधायिका राज्य स्तर की दो सदनीय है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेकिन ये भारत के हर राज्य के साथ नहीं है, मात्र 6 से 7 राज्य हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा को क्या कर रखा है, द्विसदनीय बना रखा है, जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों है। लेकिन झारखंड में जो विधानसभा है, विधानसभा एक सदनीय विधानसभा ही है, यहाँ पे विधानमंडल विधायिका एक सदनीय है, तो राज्य विधायिका का स्वरूप एक सदनीय है, विधानसभा यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है, कितनी है 82। ठीक है, जिनमें से 81 जो हैं वो निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत किया जाता है। अब आपको शायद पता होगा कि भारतीय संविधान का 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 था उसे अब समाप्त कर दिया गया है।
333 के तहत और 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन नागरिकों को राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य को राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में क्या किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है। तो वो चीज़ अब खत्म हो गई, तो अब टोटल कितने हो गए, 81 निर्वाचित सदस्य आपके बचे हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा के आरक्षण की स्थिति कैसे, यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे दिया गया। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हर जगह पे रिजर्वेशन सिस्टम है, तो विधानसभा में एसटी के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं, 28 सीटें, एससी के लिए 9 सीटें, एसटी का मतलब है शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, इसके लिए आपकी 28 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 44 सीटें हैं। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पे 14 है, ठीक है, और लोकसभा की सीटों का भी आरक्षण किया गया है। शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें हैं, अनुसूचित जाति या एससी के लिए आपकी 1 सीट है और जनरल कैटेगरी के लिए 8 सीट है, ठीक है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे संख्या 6 है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीटों की संख्या 82, ठीक है, इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या टोटल 6 है, ठीक है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूमि क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा संघीय क्षेत्र आपका सिंहभूमि क्षेत्र है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है, ठीक है, सबसे छोटा आपका चतरा है संसदीय क्षेत्र और सबसे बड़ा है सिंहभूमि क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला है सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला जो है आपका, सबसे ज्यादा प्रखंड है आपके पलामू में, 21 प्रखंड है, प्रखंड समझते हैं ब्लॉक, है ना, तो सबसे ज्यादा जो ब्लॉक है वो आपके किस में है, एक आपका आता है ना पीसीएस में ही ये पोस्ट है आपकी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की, बीडीओ बोलते हैं, है ना, यूपी पीसीएस में भी पोस्ट है, हर जगह होती है। तो यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जब आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आती तो बढ़िया है, मतलब अच्छी जॉब है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले जो आपके हैं वो हैं आपका पलामू में है 21, गढ़वा में 20 हैं, रांची में 18 हैं। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल आपका, सबसे ज़्यादा जिला हमने देखा था अभी, 7 जिले थे आपके, उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल जो आपका है उसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, 7 जिले, अभी हमने इसको डिस्कस किया था। इसके बाद न्यूनतम जिले वाले प्रमंडल आपके पलामू और कोल्हान हैं, 3-3 जिले ही यहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पे हम थानों की संख्या देखें तो 427 है। अब राज्य स्तर परीक्षाओं में यहाँ तक पूछा जाता है, मुझे तो इनका कोई महत्व बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन अभी आयोगों ने फैक्चुअल डेटा को, पर्सन एंड न्यूज़ टाइप के चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया है, तो ये बेसिक चीज़ें भी आपको पता करनी पड़ती है और मेरे हिसाब से ठीक है, अब आयोग अपने हिसाब से देख रहा है। तो ये रटने वाली चीजें हैं, थानों की संख्या 427 है, राज्य में केंद्रीय कारागारों की संख्या 5 है, टोटल 5 केंद्रीय कारागार हैं, कौन कौन से हैं, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में है, दुमका केंद्रीय कारागार दुमका में है, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग में है, पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर में है, गिरिडीह केंद्रीय कारागार जमशेदपुर में है, ठीक है, तो ये टोटल 5 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगाया गया था, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन सन 2009 में लगा है, अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि 6 राज्य जो हैं कर्क रेखा से होकर के जाते हैं, कर्क रेखा वहाँ से होकर जाती है, लातेहार, गुमला, आपका लोहारदगा, रांची, रांची के बाद आपका रामगढ़ और बोकारो, ठीक है, उनमें से कौन कौन से शहर जाते हैं ये भी हमारी डिस्कशन हो गई। तो ये आपका आधारभूत जानकारी थी झारखंड राज्य को लेकर के। अब थोड़ा सा हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। देखिए भौगोलिक तौर पे आप देखें तो ये आपका उत्तर पूर्वी भारत है, है ना, भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, क्योंकि पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो रांची भी आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है। राज्य का यदि ज्यामितीय आकार देखें तो चतुर्भुज टाइप में लगता है, चतुर्भुजाकार है, है ना, चतुर्भुजाकार आपका टोटल, ये ट्रेंगुलर नहीं है, ट्रेंगुलर शेप नहीं है, चतुर्भुजाकार ये आपका इसका जो है स्वरूप लगता है, ज्यामितीय स्वरूप। इसके बाद जो है यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, पूरे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, भारत की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो यहाँ की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और यदि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें, जैसे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, बिल्कुल रटा हुआ है। वैसे ही रांची का भी
अक्षांशी देशांतरी विस्तार राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछेगा, जो स्टेट का है, रांची कह रहे हैं झारखंड का। तो झारखंड का जो अक्षांशी विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। 21 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशी विस्तार है। और इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये इसका क्या है? देशांतरी विस्तार। और इसका अक्षांशी विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट तक है। ये जितने भी बच्चे एग्जाम देने जाएं इसको बिल्कुल पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, राज्य से गुजरने वाले अक्षांश कर्क रेखा है 23.5 डिग्री यहाँ से होकर के जाती है लगभग मध्य से, 6 जिलों से होकर के जाती है, मैंने आपको सबको बता दिया। ये लगभग 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और यदि हम इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें, टोटल उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी टोटल कितनी है? 380 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो इसकी है वो है 463 किलोमीटर। तो झारखंड उत्तर से दक्षिण आपका है 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम आपका झारखंड कितना है? 463 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये विस्तार इसका ज़्यादा है, यानी देशांतरी विस्तार ज़्यादा है, ठीक है। टोटल कितना है? 463 किलोमीटर आपका इसका पूरब से पश्चिम, इसको चौड़ाई बोल सकते हैं कि चौड़ा ज़्यादा है ये, लंबाई कम है, लंबाई इसकी 380 किलोमीटर ही है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल इसका 79714 किलोमीटर स्क्वायर, फिर से 79714 किलोमीटर स्क्वायर, 79714 किलोमीटर, 79714 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग है ना, वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर जो भी आप कहें, ठीक है। तो आपका 79714 किलोमीटर स्क्वायर आपका क्या है ये, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, कितना है? 77922 किलोमीटर स्क्वायर, गाँव ही है। शहर कितना है? मात्र 1792 किलोमीटर स्क्वायर। तो शहर बहुत कम है और गांव क्षेत्र ज़्यादा है। 77922 किलोमीटर स्क्वायर आपका टोटल कितना है इसका, तो यानी शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%, 2.42% ही शहर है यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल का, समझिए कितना कम है। अभी शहरीकरण है ही नहीं इस क्षेत्र का, लेकिन अब डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, अब व्यापक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जनजातियाँ होने के कारण से यहाँ पे अभी भी बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, होना भी चाहिए। यहाँ पे आपका जो है शहरीकरण बहुत कम है, 2.4% क्षेत्रफल पे ही शहर है, बाकी जितना भी हिस्सा है 98% के आसपास या 97.6% के पास आपका गांव है। तो 77922 किलोमीटर स्क्वायर आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र है और 1792 किलोमीटर स्क्वायर आपका शहरी क्षेत्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की यदि लंबाई की बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल लंबाई कितनी है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की यहाँ पे लंबाई 2653 किलोमीटर है, ठीक है। और राजकीय राजमार्ग जो राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो है 1231 किलोमीटर, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2653.64 किलोमीटर और राजकीय राजमार्गों की लंबाई 1231.9 किलोमीटर के आसपास है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे ठीक ठाक ही होती है, लगभग 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। कृषि योग्य यदि यहाँ की टोटल भूमि देखें तो 38 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ की कृषि योग्य है, लेकिन झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.62% पे वन पाया जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा रेशियो है ना। यहाँ पे वन क्षेत्र कितना है? 29.62% हिस्सा इसका वन क्षेत्र है, ठीक है, 29.62% हिस्सा इसका वन क्षेत्र है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूमि वाले क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा वनाच्छादित जिला कौन सा है आपका? पश्चिमी सिंहभूमि वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है। और सबसे कम जो आपका वनाच्छादित जिला है वो है जामताड़ा, है ना, जामताड़ा जो है आपका सबसे कम वनाच्छादित है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का परसेंटेज जिलेवार देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है लातेहार,
लातेहार प्रतिशत के तौर पे सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम जिला है सबसे ज़्यादा। और सबसे न्यूनतम देखा जाए परसेंटेज वाइज तो जामताड़ा ही है, जामताड़ा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भी है और परसेंटेज के हिसाब से है। तो ये दो चीज़ें याद रखना है, क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम और परसेंटेज के हिसाब से लातेहार सबसे ज़्यादा वनाच्छादित जिला, न्यूनतम में जामताड़ा ही है। ठीक है, कितना है 29.62% है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो है प्रति व्यक्ति वन यहाँ पर 0.08 हेक्टेयर है, बहुत कमी है। और कुल कृषि योग्य भूमि मैंने आपको जैसा कि बताया 38 लाख हेक्टेयर है। राज्य का सर्वोच्च शिखर के बारे में भी हमारी चर्चा हुई थी, पारसनाथ है आपका, 1365 मीटर की हाइट यहाँ पे सबसे ऊंची हाइट है। ठीक है, तो ये आपका कुछ भौगोलिक जानकारी जो इसकी कहाँ पे क्या है कितना है ये भी हमारा डिस्कस हो गया। अब देखो इस क्षेत्र में जनजातियों का निवास क्षेत्र है, तो जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, 32 जनजातियाँ, यहाँ पे मैं एक एक करके नाम बताऊँगा। जो 32वीं जनजाति है वो कोल जनजाति को 32वीं जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, उराव जनजाति, हो जनजाति, खरवार जनजाति, खड़िया जनजाति, लोहरा जनजाति, भूमिज जनजाति, महली जनजाति, करमाली जनजाति, बैगा जनजाति, बथूड़ी जनजाति, किसान जनजाति, बंजारा जनजाति है ना, बिझिया जनजाति, गोंड जनजाति, चेरो जनजाति, चिक बड़ाइक जनजाति, बेदिया जनजाति, गोडाइन जनजाति, कोरो जनजाति, कावर जनजाति, कोल जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति, सौरिया पहाड़िया जनजाति, असुर जनजाति, बिजरिया जनजाति, पिहरिया जनजाति, बिरहोर जनजाति, कोरबा जनजाति, सबर जनजाति और खौड़ जनजाति। टोटल 32 जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कितनी, 32 जनजातियाँ झारखंड की कुल जनजातियाँ 32 हैं। अब इनमें से इनके बारे में जो फैक्चुअल है, आदिम जनजातियों की बात करें तो 8 जनजातियाँ आदिम जनजातियाँ हैं। ठीक है, 32 जनजातियों में 8 आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 8 आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या टोटल देखें, शेड्यूल्ड जो ट्राइब है इनकी जनसंख्या देखें तो 86,45,042 टोटल ये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। यहाँ पे 46 लाख यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% हिस्सा जनजातियों का पाया जाता है। बहुत बड़ा फैक्ट है, पूछा जा सकता है, 26.2% हिस्सा किसका है, जनजातियों का, 86,45,042। ठीक है, इसके बाद आदिम जनजातियों की कुल संख्या देखें, चूंकि 8 जनजातियां आदिम जनजातियां पाई जाती हैं तो 1,92,425 जनजातियां आपकी आदिम जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों का परसेंटेज देखें तो 0.72% ही है, यानी बहुत कम है। तो आदिम जनजातियां आपकी 1,92,425 टोटल ये संख्या आदिम जनजातियों की, और राज्य की कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत 0.72% ही है। और कुल जनजातियों की बात करें तो 26.2% का हिस्सा रखती हैं। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला आपका है संख्या के आधार पर रांची, रांची में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं संख्या के आधार पर। सबसे कम जनजाति संख्या के आधार पर कोडरमा में पाई जाती हैं, सबसे कम जनजाति संख्या के आधार पर कोडरमा में पाई जाती हैं। यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जनजाति खूंटी में पाई जाती हैं, परसेंटेज के हिसाब से संख्या के आधार पर रांची, परसेंटेज के हिसाब से खूंटी। ये आपको मतलब कि ये दोनों अलग अलग तथ्य हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। न्यूनतम जनजाति वाला जिला परसेंटेज में कोडरमा ही है, तो कोडरमा संख्या के आधार पर भी न्यूनतम है और यहाँ पर भी जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से भी न्यूनतम है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है संथाली जनजाति। जनजातीय समाज में जो लिंगानुपात है वो कितना है, 987। लिंगानुपात समझते हैं, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो नकारात्मक ही है यहाँ पर भी, यानी कि अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर यहाँ पे काम किया जाना चाहिए। ठीक है, जनजातीय समाज में साक्षरता दर बहुत कम है, 40.7% ही साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता आपका 54% है और महिला साक्षरता 27.2% है, बहुत कम ही है। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में स्थान जो है वो चौथा स्थान है,
टोटल जनजाति सबसे नंबर एक आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है। तो झारखंड का चौथा स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से चार सबसे बड़ी जनजातियाँ जो झारखंड में पाई जाती हैं, सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। झारखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है? संथाल जनजाति। सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। इसके बाद संथाल जनजाति के बाद आपकी उरांव जनजाति है, फिर मुंडा जनजाति है, फिर हो जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में संथाल जनजाति, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। सर्व प्रमुख जनजातीय त्यौहार सरहुल यहाँ पे मनाया जाता है। सबसे मशहूर लोक नृत्य यहाँ पे छऊ मनाया जाता है। जनजातीय समाज के प्रमुख देवता की बात करें तो यहाँ पे सिंह बोगा जो है प्रमुख देवता है यहाँ के। और सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड जो है बिटलाहा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिटलाहा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातीय दंड है। अब एक बार जो है यहाँ का डेमोग्राफी को समझते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी कैसी है। राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें, टोटल यानी कि जननांक की परिचय यानी यहाँ की जो सेंसस है, तो 2011 के आंकड़े को मैं यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ, जो अभी आपका लेटेस्ट यही डेटा है हमारे पास। 2021 का डेटा एक दो साल में आएगा, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या आपकी 3,29,88,134 है। कितनी है? 3,29,00,000। इतना आपको रफली याद रखना चाहिए 2011 की जनगणना के हिसाब से। कितनी है? 3,29,00,000। पूरा देखना है तो 3,29,88,134 यानी लास्ट में 34 है, ठीक है, क्योंकि पूछता है कई बार, पूरा पूछ लेता है। 3,29,88,134। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 1,69,30,315 टोटल पुरुष हैं, यानी कि कुल जनसंख्या का 51.32% पुरुष हैं। महिलाओं की बात करें तो 1,60,57,819 यानी कि कुल जनसंख्या का 48.68% यहाँ पे महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात वैसे भी नकारात्मक है, तो पुरुष कितने हैं? 1,69,30,315 यानी 51.32%। महिलाओं की बात करें तो 1,60,57,819 यानी कुल जनसंख्या का 48.68%, ठीक है। तो पुरुष आबादी ज़्यादा है 51.32%, महिला आबादी 48.68% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, गाँव बहुत ज़्यादा हैं। 75% लगभग 76% के आसपास जो है आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। 2,50,55,073 कुल आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादी है, यानी कि 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। 79,33,61 यानी कुल जनसंख्या का 24.5% आपका शहरी जनसंख्या में रहता है। 79,33,61 यानी कुल जनसंख्या का 24.05%। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास भूमि कितनी थी? टोटल भूमि हमारे पास 2.42% ही थी, लेकिन रहने वाली आबादी कितनी है? 24% कुल आबादी का। तो ये बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि आपको पता है कि स्थिति ऐसे में शहरी क्षेत्रों में दबाव बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो शहरी जनसंख्या आपकी 79,33,061 है, 24.05% है, ठीक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 39,85,644 है, यानी टोटल 12.08% अनुसूचित जाति है यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति की संख्या 46,45,042 है, यानी 26.2% यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अनुसूचित जाति 12.08%, अनुसूचित जनजाति 26.20%। भारत की कुल जनसंख्या का 2.73% कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो टोटल आबादी का भी पूछ लेता है, भारत की कुल जनसंख्या का 2.73% जो है कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाई जाती है टोटल आबादी। और यदि हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो झारखंड का 14वां स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान था? 15वां। और जनसंख्या के आधार पर क्या है? ये इजी है, याद हो जाता है कि 14 और 15 आपका जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे 15वां, ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या आपकी कितनी है? कुल भारत की कुल जनसंख्या का 2.73% यहाँ पे निवास करता है। यदि हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखें 2001 से लेकर 2011 में कितनी बढ़ गई? 22.4% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है। और जनसंख्या वृद्धि बढ़ने की दृष्टि से भारत का 10वां स्थान इसमें है,
ठीक है, दसवां राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका रांची है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या का निवास रांची में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी रांची में रहती है। सबसे कम जनसंख्या लोहारदगा में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजधानी रांची में है और सबसे कम जनसंख्या लोहारदगा में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका रांची है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहारदगा है। जनघनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर के दायरे में 414 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में 414 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि यदि जनघनत्व के बारे में कहें तो भारत में 14वां स्थान है, 14वां स्थान जनसंख्या के आधार पर, जनघनत्व के हिसाब से भी 14वां स्थान है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से 10वां स्थान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, धनबाद में, सबसे ज़्यादा जनघनत्व धनबाद में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में है, सबसे कम जनसंख्या लोहारदगा में है, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिमडेगा में, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है सिमडेगा में। इसके बाद लिंगानुपात देखें तो 949 है, यहाँ पे टोटल लिंगानुपात कितना है 949, यहाँ पे कितना था जनजातियों का, कितना था जनजातियों का, था 987, तो जनजातियों का तब भी ज़्यादा था, ये टोटल राज्य का है, राज्य का है 949, जनजातियों का है 987, तब भी ये ज़्यादा सकारात्मक है नकारात्मक है। लिंगानुपात के हिसाब से देखें तो भारत में 17वां स्थान आता है, ठीक है, लिंगानुपात के हिसाब से 17वां स्थान। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका पश्चिमी सिंहभूमि है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूमि पे है, सबसे बेहतर, और सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है, सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पूछता है एक बार पता जरूर होनी चाहिए इतनी। साक्षरता दर की बात करें तो झारखंड की साक्षरता दर आपकी 66.4%, यानी टोटल आबादी की 66.4% आबादी साक्षर है, और भारत में इसका स्थान केंद्र शासित प्रदेशों सहित 32वां है, इसकी रैंक कितनी है 32वां। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता 76% है, 76.8%, महिला साक्षरता 55.4% है, ठीक है, महिला साक्षरता 55.4% है, पुरुष साक्षरता 76.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है, सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है रांची, और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है पाकुड़, ठीक है, संथाल परगना में, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है, सबसे ज़्यादा ओबीसी आबादी गिरिडीह में रहती है, सबसे कम ओबीसी जनसंख्या खूंटी में रहती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 6 अल्पसंख्यक केंद्रीय जिले आपके कौन से 6 जिलों को केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक केंद्रीय जिले बनाए हैं, सिमडेगा, पाकुड़, खूंटी, गुमला, रांची, साहेबगंज, इसको इन्होंने क्या किया है सबसे कम जनसंख्या वाला ये आपका बनाया है, ठीक है, सिमडेगा को 6 जो है अल्पसंख्यक केंद्रीय जिलों के तौर पे घोषित किया है। तो ये हो गई आपकी यहाँ की जननांक की परिचय, ठीक, एक बार इसको दोबारा जब आप रिपीट करेंगे, एक दो बार रिपीट करके सुनेंगे याद हो जाएगी, एक दो बार बस रिपीट करके ही सुनना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, झारखंड को एक नज़र पे झारखंड से जुड़ी हुई चीज़ें देख ली, इसके बाद झारखंड का जो राजनीतिक मानचित्र है देख लिया, इसका प्राकृतिक मानचित्र हमने देख लिया, जननांकिकी के बारे में देख लिया, यहाँ पे जो जनजातीय हैं इसके बारे में देख लिया, अब थोड़ा सा राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राजकीय पक्षी कोयल है, राजकीय पक्षी क्या है कोयल। राजकीय वृक्ष क्या है यहाँ का साल, साल का पेड़, ठीक है। इसके बाद राजकीय पुष्प क्या है, पुष्प क्या है पलास, टेसू, उत्तर प्रदेश का भी पलास ही है, यहाँ का भी पलास है। पहले यहाँ पे अब राजकीय चिन्ह बदल गया है, पहले इसका राजकीय चिन्ह बड़ा फेमस है, पुराना राजकीय चिन्ह, और कई बार पूछा गया है, 4 J अक्षर हैं ऐसे करके, J अक्षर बने हुए हैं, J का मतलब है झारखंड, है ना, 4 J अक्षर, और बीच में जो है उसमें अशोक का स्तंभ दिया गया है, ठीक है। तो 4 J अक्षरों के बीच में अशोक चक्र दिया गया है, माफ करेगा अशोक चक्र दिया गया है। तो ये पुराना राजकीय चिन्ह था, अब अपडेट हो गया है, इसके डिजाइनर जो थे वो अहमदाबाद से थे, अमिताभ पांडे, उनके द्वारा बनाया गया था। तो जो राजकीय चिन्ह था पहले वो 4 J अक्षरों के बीच अशोक चक्र के तौर पर था, अब जो है राजकीय चिन्ह इसका अपडेट कर दिया गया है।
तो 2002 में ये राजकीय चिन्ह को एडॉप्ट किया गया था, और जो जे अक्षर है वो झारखंड को, और अशोक चक्र गतिशीलता को दिखाता है, गतिशीलता परिवर्तन प्रगति का सूचक अशोक चक्र था, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ये झारखंड के सभी प्रतीक चिन्ह हो गए, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय पुष्प पलाश, जो पुराना राजकीय चिन्ह था, चार जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, डिजाइनर इसके अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे थे, 2002 में इसको स्वीकृत किया गया था, और इसमें जो है ये आपका झारखंड और गतिशीलता को लेकर के दिखाने का प्रयास करता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारी की सारी नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया, नदियाँ देख ली। अब एक बार जो है झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन्वायरमेंट को लेकर के एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए हर जगह पर प्राकृतिक संपदा है, किस तौर पे? वनस्पति के तौर पे है, फ्यूरा और फ्योना के तौर पे, यानी वहाँ पे जंतु निवास करते हैं और वनस्पति का निवास स्थान है, ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस वनस्पति को संरक्षण कैसे किया जाए, तो संरक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्वस्थानीय संरक्षण। कोई वनस्पति जहाँ पर डेवलप हुई है वहीं पर उसको संरक्षित कर दिया जाए, यानी उसका एक क्लाइमेट होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसी स्थान पर उसको। एक और तरीका है परस्थानीय, यानी इन सिटू कंजर्वेशन या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन, उसको वहीं पर भी हम संरक्षित कर सकते हैं जहाँ पर वो, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क क्या है, पर्टिकुलर किसी जैव विविधता वाले क्षेत्र को जहाँ पे प्राकृतिक और जीव जैव विविधता बहुत बड़ी संख्या में होती है उसको हम उसी स्थान पे संरक्षित कर देते हैं। तो इसकी कई कैटेगरी बनाई गई, एक कैटेगरी होती है नेशनल पार्क, एक कैटेगरी होती है अभ्यारण्य, अंतर होता है दोनों में, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संरक्षण आगार होते हैं, सामुदायिक आगार होते हैं, पवित्र उपवन होते हैं, ये सब मैं इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से मिलेंगी। और एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, यूनेस्को के द्वारा भी मैप कार्यक्रम चालू किया गया है, है ना, मानव और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सह संबंध स्थापित करने के लिए मैप कार्यक्रम चालू किया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एक पाया जाता है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? लातेहार जिला में। लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसकी स्थापना 1986 एडी में की गई थी। देखो राष्ट्रीय उद्यान नो गो एरिया होते हैं, यहां पे जाया नहीं जा सकता। यदि आपको कभी कोई भी राष्ट्रीय उद्यान घूमना है तो सिर्फ आप जंगल सफारी कर सकते हैं, वो भी अनुमति लेनी पड़ती है आपको, उसके लिए एक परमिट होता है। अभी तो ऑनलाइन पर अब सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है, तो आपको जब भी कभी, जैसे मान लीजिए आप जिम कार्बेट, एक मेरा आपने सूट देखा होगा जिम कार्बेट से, भारत दर्शन मैंने किया था जिम कार्बेट में जा करके, वहाँ से पूरे भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ाया था। तो जब आप कभी अंदर जाना चाहेंगे तो आपको कोर एरिया में तो कभी नहीं ले जाया जाएगा, जहाँ पर जीव जंतुओं का जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र है वहाँ नहीं ले जाएगा। जंगल सफारी को लेकर के मार्ग बनाए गए हैं और वहाँ पर कई बार जो होते हैं जीव जंतु आपको मिल जाते हैं, है ना, कई बार पानी पीने आते हैं, उनका हंटिंग जोन होता है ना, तो आपको बाघ वगैरह सब मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में है जैसे कि बांधवगढ़ हो गया, यहाँ पे बहुत बाघ है, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, बहुत सारे बाघ हैं यहाँ पे। जिम कार्बेट में भी हैं बाघ, लेकिन उतना ज़्यादा आप देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी। तो कभी आप राष्ट्रीय उद्यान जाइए तो जा करके वहाँ पे एक परमिशन आपको लेना पड़ेगा अथॉरिटी से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, एक सर्विस है आपकी आईएएस में, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसको बोलते हैं आईएफओएस, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और फॉरेस्ट गार्ड की सर्विसेज आती रहती हैं आपके स्टेट लेवल में भी, फॉरेस्ट राज्य वन सेवा भी परीक्षा होती है अलग से, है ना, तो उसके तहत जो है उसमें आप जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, लातेहार जिला में पड़ता है आपका। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह जो है भारत में यहाँ पे बाघ संरक्षण से संबंधित परियोजना 1973 में ही प्रारंभ कर दी गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको 1973 में ही यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखें, क्योंकि विश्व की सबसे पहली शेर जनगणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई थी, एक इसका इम्पोर्टेंस है। 1932 में विश्व की पहली शेर गणना कहाँ की गई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको यूपीएससी में भी पूछा जाएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। विश्व की पहली शेर गणना कहाँ प्रारंभ की गई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान से। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का। उत्तर प्रदेश में कौन सा है आपका राष्ट्रीय उद्यान? है उत्तर प्रदेश में, नहीं है? हाँ, दुधुआ नेशनल एक ही है। और बिहार में है कि नहीं है?
वाल्मीकि, बिहार में भी एक ही है वहाँ पर भी, बाकी अन्य जगहों में कई जगह पे ज़्यादा भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जिम कार्बेट है आपका, राजा जी है ना, वो तो कई सारे हैं। चलिए, शेर का जनगणना हुआ था तो जो बाल वाले होते हैं? नहीं नहीं, एशियाई शेर यहाँ पाए नहीं जाते हैं, एशियाई शेर सिर्फ एक जगह पाए जाते हैं, वो है गिरी में, ठीक है, गिरी आपका जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे जो शेर है उसका मतलब? ये शेर मतलब वो शेर नहीं है आपके, ठीक है, बाघ 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 जो शेर कैटेगरी है उनकी गणना सबसे पहले यहाँ पे की गई, ठीक टाइगर? हाँ टाइगर, उसी के तहत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेतला, बेतला का फुल फॉर्म है बायसन एलिफेंट बायसन, ये जानवर ही है उन्हीं के नाम पे बेतला पूरा रखा गया, बी से बायसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लियोपार्ड, फिर इसके बाद एक्सिस और एक्सिस, इसी से आपका बेतला पूरा है बना है, बेतला का नाम यहाँ के जो प्रमुख यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं उन्हीं के नाम पे है। इसके बाद यहाँ पे टोटल 11 अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, झारखंड में। वन्य जीव अभ्यारण्यों में कुछ छूट होती है, गो एरिया होता है, और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ये टोटली नो गो एरिया होता है, मतलब वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है, प्रवेश रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप वन्य जीव अभयारण्य में जा सकते हैं, ठीक है, कुछ गतिविधियाँ होती हैं जो आप संपादित कर सकते हैं, जो वहाँ पे आदिवासी समूह या वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी कुछ आर्थिक गतिविधियों को लेकर के वहाँ पे कार्य किया जाता है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से हैं प्रमुख अभयारण्य, एक तो पलामू में है आपका पलामू वन्य प्राणी अभयारण्य है, ठीक है, यहाँ पे हाथी और सांभर पाए जाते हैं। इसके बाद महुआ टाड या महुआ आनाड भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य, ये लातेहार में पड़ता है, यहाँ पे भेड़िया पाए जाते हैं, ठीक है, महुआ टाड भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पे भेड़िया हिरण बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है, हजारीबाग में पड़ता है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद हाथी परियोजना जो आपकी यहीं से प्रारंभ की गई थी, जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ से हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसके बाद आपका लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य, ये चतरा में पड़ता है। इसके बाद पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, ये गिरिडीह में पड़ता है, पारसनाथ की पहाड़ियां जो है उसको वन्यजीव अभयारण्य भी घोषित किया गया है। इसके बाद आपका उधवा जल पक्षी अभयारण्य साहिबगंज में पड़ता है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला में पड़ता है। कोडरमा वन्य प्राणी अभयारण्य कोडरमा में पड़ता है। इसके बाद आपका तोप चांकी वन्यजीव अभयारण्य धनबाद में पड़ता है, और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा में पड़ता है। तो ये टोटल आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं 8 जो मैंने आपको बताए। अब एक बार जो है थोड़ा सा झारखंड का जो स्टैटिक जीके है उसे देख लेते हैं। झारखंड जब बना तो झारखंड के पहले राज्यपाल बनाए गए श्री प्रभात कुमार जी, श्री प्रभात कुमार जी पहले राज्यपाल और पहले मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल मरांडी, ठीक है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री बाबूलाल मरांडी। विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए यहाँ के, पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए श्री इंदिरा सिंह नामधारी, ठीक है, विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे इंदिरा सिंह नामधारी। इसके अलावा विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर समझते हैं, जब भी नई विधानसभा का सृजन होता है या नई लोकसभा का सृजन होता है तो विधानसभा के सदस्यों को या लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, और ये तब तक ही रहते, 2-3 दिन रहते हैं, 2-3 दिन के अंदर अंदर सदन अपना, जब सभी सदस्य शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो सदन अपना अध्यक्ष चुन लेता है। प्रोटेम स्पीकर एक तरीके से समझ सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष, जैसे संविधान समय में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे ना, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर परमानेंट राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। तो क्योंकि अब मान लो कोई लोकसभा भी चुन के आई है, विधानसभा भी चुन के आई है, अभी संसदों ने शपथ तक नहीं ली, और जब शपथ नहीं ली है तो कैसे किसी को चुन सकते हैं? बिना ऑथ के आप कोई काम लीगली नहीं कर सकते, लीगलाइज नहीं है, है ना, वैसे ऐसा कोई प्रावधान, लेकिन फिर भी पहले शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो पहले प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे बनाए गए थे विश्वेश्वर खां। इसके बाद विधानसभा के विपक्ष के नेता, जो पहले विपक्ष के नेता थे श्री स्टीफन्स मरांडी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे श्री विनोद कुमार गुप्ता थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान का कौन कौन है मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है, अभी का जो है आप लोग एक बार पहले जो प्रथम थे वो एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद कुमार गुप्ता हैं। प्रथम मुख्य सचिव जो थे श्री विजय शंकर दुबे, यानी बीएस दुबे थे। प्रथम महाधिवक्ता श्री मंगलमय बनर्जी थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक
तक शिवाजी महाराज कह रहे थे, प्रथम मनोनीत जो है विधानसभा सदस्य जोसेफ पंचेली गालिस्टीन थे। यहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा बाग जलप्रपात, लातेहार में पड़ता है। यहाँ पर प्रथम तांबा कारखाना यहाँ पे घाटशिला में है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है। और ये जो जमशेदपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पर ही हुई थी। एक दो चीज़ें यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको ये जानना चाहिए। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम है दीप सेन गुप्ता, ठीक है। दीप सेन गुप्ता, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दीप सेन गुप्ता किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं और ये झारखंड से थे दीप सेन गुप्ता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है कि जब 1928 में भारत ने हॉकी का मैच खेला था, हॉकी का ओलंपिक में भारत ने हॉकी ओलंपिक में भारत गया था, तो हॉकी ओलंपिक में झारखंड के ही थे और जिनके द्वारा गोल्ड मेडल लेकर के आया गया, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था जयपाल सिंह। यानी ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, जयपाल सिंह, और ये भी कहाँ से थे, झारखंड से थे, ठीक है। 1928 में एमस्टर्डम ओलंपिक हुए थे और यहाँ पे भारत को स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। तो ये भी आपके, और यही पर्सन है 1929 में इनके द्वारा सबसे पहले झारखंड के डिमांड की, झारखंड आंदोलन को लेकर के इन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई। इन्होंने कहा कि झारखंड नाम से एक अलग प्रदेश होना चाहिए। तो 1929 में ये जो आपके हैं इनका नाम है जयपाल सिंह, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संगठित तौर पर झारखंड आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। और ये कौन थे, जयपाल सिंह किस खेल से जुड़े थे, हॉकी से जुड़े थे। ये भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी भी थे और इन्होंने, इनके नेतृत्व में गोल्ड मेडल भी आया है, ठीक है। इसके बाद झारखंड के प्रमुख विद्रोह ये हम लोग एक बार देख लेते हैं सारे के सारे। इसके बाद सीएनटी और एसपीटी एक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी कई सारे टॉपिक हैं जो अभी हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं और बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं कराऊंगा ही। देखिए, अंग्रेजी हुकूमत जब भारत में आई, आने के बाद उन्होंने औपनिवेशिक शोषण करना प्रारंभ किया। हर जगह पे धीरे 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 अपना विस्तार करते चले गए। और आपको पता होगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी उनको 1765 में मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, बक्सर का युद्ध और भारत में मीर कासिम और मुगल साम्राज्य का पराजित होना। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा उनको क्या मिल जाता है, दीवानी का राइट। और जब दीवानी का राइट मिल जाता है, यानी राजस्व उगाही का उनको राइट मिल जाता है इस क्षेत्र में, तो चूंकि आपका झारखंड भी इसी क्षेत्र में आता था, बंगाल बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही आता था, पहले बिहार का हिस्सा था, ठीक है। तो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन संगठित तरीके से 1767 में हुआ। कब हुआ, 1767 में। और 1767 में जब ये झारखंड में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद यहाँ पर खुद राजस्व उगाही को लेकर के षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देते हैं कि अब राजस्व उगाही हमें करना है, हम ही राजस्व उगाही करेंगे। और ऐसी जब स्थिति ये पैदा करते हैं, तो ऐसे में इनकी जो औपनिवेशिक नीति होती है वो शोषणकारी बन जाती है। और यहाँ पे जो उस समय जमींदार थे, यहाँ पे जो उस समय राजा और संभ्रांत वर्ग था, उसको नज़रअंदाज करके जनता से सीधा संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी का असंतोष होता है कि यहाँ के झारखंड के तत्कालीन जितने भी जमींदार थे, बहुत सारे राजा थे, उनके द्वारा विद्रोह किया गया और फिर आम जनता के द्वारा भी विद्रोह किया गया। क्यों, क्योंकि मनमाना लगान किसी भी, मतलब लगान अधिकतम किसी भी स्थिति परिस्थिति पे इनके द्वारा लगाया जाने लगा। तो कैसे इतने सारे झारखंड में विद्रोह होने चालू हुए, उसका कारण क्या है, औपनिवेशिक नीति और शोषणात्मक प्रवृत्ति, है ना, ये दो चीज़ें यहाँ पर सबसे प्रमुख रहीं। और इस कारण से आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलते ही इन्होंने राजाओं और जमींदारों को क्या किया, इन्होंने झारखंड में कर वसूली इन्होंने उनकी बंद कर दी, खुद इन्होंने उस क्षेत्र का कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद
झारखंड में जो हमें देखने को मिलता है, एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है यहाँ पर विद्रोहों की, तो सबसे पहला विद्रोह यहाँ पे देखने को मिलता है शुरुआत में, कि यहाँ पे पूरे झारखंड में आम जनता के द्वारा विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया गया। विभिन्न जनजातियों के द्वारा जल जंगल जमीन को जब उनके हस्तक्षेप कर दिया गया, उनके जल जंगम जमीन पे उनको जाने से रोकने का प्रयास किया गया, तो ऐसे में जो है उन्होंने क्या किया, चारागाह क्षेत्रों में उनको जाने का खत्म किया गया। जबरदस्ती लगान मनमाही वृद्धि करने लग गए, लगान में कितनी भी वृद्धि कभी भी कर दी जाती थी। इसके बाद मनमाने ढंग से बंदोबस्त प्रणाली को लागू करना, चारागाह क्षेत्र में प्रवेश की रोक लगाना, तो राजाओं और जो उस समय के जमींदार थे उनको नजरअंदाज करना, इन सभी कारणों से लगातार यहां पे सिलसिलेवार क्या हो गए, विद्रोह होने चालू हो गए। झारखंड में जनजातियों के द्वारा भी विद्रोह किए गए, जिसमें आदिवासी सबसे अग्रणी रहे, आदिवासियों ने सबसे पहले रिएक्ट किया इन सब चीजों को लेकर के। ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या में यहां पर जनजातीय आंदोलन हुए हैं और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन झारखंड राज्य में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे झारखंड का इतिहास न लेके केवल इतना सा हिस्सा भी लिया है, क्योंकि झारखंड का इतिहास बहुत बड़ा है। पर्टिकुलर नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आधा कम से कम कंप्लीट क्लास उसी का होगा, तो उसमें मैं फिर पूरा करवाऊंगा। तो अब कौन कौन से झारखंड में प्रमुख विद्रोह हुए हैं, पूछता क्या है, एक तो सन पूछता है कि किस सन में कौन सा विद्रोह हुआ, फिर यह पूछता है कि विद्रोह की जगह कौन है, है ना, किस जगह पे विद्रोह हुआ है, उसका नेतृत्वकर्ता कौन है और किसने उस नेतृत्व को, उस विद्रोह को दबाया है, यानी कंपनी में कौन था उस समय जिसने उस नेतृत्व को दबाया है। तो मैं क्रम से लगभग 25 से 30 विद्रोह हैं यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न पूछा ही जाता है, तो डेट वाइज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप सुनिएगा। ये यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है सारे विद्रोह, पूरा एक चैप्टर है आपके आधुनिक भारत के इतिहास में जनजाति विद्रोहों का, वो झारखंड के विद्रोह भी वहां पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और कथनों में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हर विद्रोह की अपनी कहानी है, लेकिन उसके पीछे का कारण या तो लगान की मनमानी वृद्धि की गई, या तो मनमाने ढंग से बंदोबस्त प्रक्रिया को लागू किया गया, या तो इनके जो जल जंगल जमीन के राइट्स हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया गया, जो आपके जनजातियां थीं जनजातियों को चारागाह क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई, या फिर जो उस समय तत्कालीन जो अथॉरिटी थी, जो राजा थे, उन राजा और जमींदारों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया, इस कारण से आपके जनजाति विद्रोह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे। यदि हम एक क्रम देखें तो सबसे पहले आम जनता के बहुत सारे विद्रोह होते हैं जनजाति विद्रोह के तौर पे, और 1857 की क्रांति में झारखंड तक भी लपट गई, झारखंड भी 1857 की क्रांति का हिस्सा बना। इसके बाद जनजातीय सुधारवादी आंदोलन हुए बहुत सारे, जनजातियों के अंदर सुधारवादी आंदोलन हुए और ब्रिटिशर्स को लेकर के भी सुधारवादी आंदोलन हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी झारखंड बढ़ चढ़ के आगे रहा, जनजातियां बढ़ चढ़ के आगे रही, अंग्रेजों से अपने क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए जनजातियों ने बहुत सारे विद्रोह किए, और बाद में झारखंड के सृजन के लिए झारखंड आंदोलन भी चलाया गया। तो ऐसे कई सारे आंदोलन लगातार वहाँ पे क्रमबद्धता से चलते रहे। तो सबसे पहला आंदोलन है आपका ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 में हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 1777 में ढाल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किया जगन्नाथ ढाल ने, और इसका क्षेत्र था ढाल भूम क्षेत्र, और इसको कंपनी का नेतृत्व करने वाले थे लेफ्टिनेंट रुक मार्गन। लेफ्टिनेंट रुक मार्गन के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। यही चार पांच चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने यही चार पांच पॉइंट लिए हैं। यदि मैं एक एक करके डिटेल लेने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो 1767 से 1777 में ढाल विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, ढालभूम क्षेत्र में, लेफ्टिनेंट रुक मार्गर है, इसके द्वारा जो है कंपनी का नेतृत्व किया गया। इसके बाद अगला विद्रोह है आपका 1768 में हुआ चुवाड़ विद्रोह। देखो चुवाड़ विद्रोह कई हुए होंगे, मुंडा विद्रोह कई हुए हैं, सन बदलता रहा है, मुंडाओं के द्वारा नेता बदलते रहे, सन बदलता रहा, जगह बदलती रही और विद्रोह होते रहे, या जहाँ जहाँ मुंडा थे वहाँ पर भी विद्रोह चलते रहे। तो कई चुवाड़ विद्रोह होंगे, कई मुंडा विद्रोह होंगे, कई कोल विद्रोह होंगे, तो हमें बस एक बार सन के हिसाब से समझना है। 1768 में चुवाड़ विद्रोह हुआ, इस समय नेतृत्व करते थे रघुनाथ महतो, क्षेत्र था सिल्ली क्षेत्र, और कंपनी को नेतृत्व देने वाले थे वंशी टाट महोदय। ठीक है, वंशी टाट महोदय ने इस पूरे नेतृत्व, इस आंदोलन
को दबाया। 1769 में फिर से चिवार विद्रोह हुआ, इस समय नेतृत्व करता थे सुबल सिंह। ये बड़ा भूम क्षेत्र में हुआ, लेफ्टिनेंट नल और लेफ्टिनेंट गुड़गाम दो पर्सन थे, इनके द्वारा इसको जो है दबा दिया गया। इसके बाद 1770 से 1771 में चेरो विद्रोह हुआ, जिसके अंतर्गत जिसका नेतृत्व दिया चित्रजीत राय के द्वारा, क्षेत्र था पलामू क्षेत्र, कैप्टन मेक के द्वारा ये पूरा जो है कंपनी का नेतृत्व किया गया। 1772 में घटवाल विद्रोह हुआ, घटवाल विद्रोह का नेतृत्व करता मुकुंद सिंह थे और क्षेत्र था आपका हजारीबाग और कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन ब्राउन। इसके बाद 1773 और 85 के बीच में अगला विद्रोह हुआ तिलका विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तिलका विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे तिलका मांझी थे, और तिलका मांझी का ये जो क्षेत्र था संथाल परगना वाला क्षेत्र था और कंपनी का नेतृत्व क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। 1773 से 85 तिलका विद्रोह, नेतृत्व करता तिलका मांझी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्षेत्र था आपका संथाल परगना और कंपनी का नेतृत्व करता था क्लीवलैंड, ठीक है। इसके बाद 1772 से 80 में पहाड़िया विद्रोह था आपका, इसका नेतृत्व करता था रानी सर्वेश्वरी, क्षेत्र था संथाल परगना और कंपनी का नेतृत्व कैप्टन जैकब के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1782 से 1820 में तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया भोलानाथ सिंह के द्वारा, क्षेत्र था आपका तमाड़ रांची क्षेत्र और कंपनी का नेतृत्व इसमें मेजर क्रॉफर्ड करते थे। इसके बाद 1783 से 84 में यहाँ पे भूमिज विद्रोह हुआ, नेतृत्व करता इसमें खौलियापाल थे, क्षेत्र था पंचेत क्षेत्र और कंपनी का नेतृत्व मेजर कोफोर्ड के द्वारा किया गया। 1789 में तमाड़ विद्रोह फिर से हुआ अगेन, और इसमें जो नेतृत्व करता थे विष्णु मानकी थे, क्षेत्र था आपका तमाड़ रांची क्षेत्र और कंपनी का नेटवर्क करता होगन और कूपर महोदय ने किया। इसके बाद 1793 से मुंडा विद्रोह चालू होता है, 1793 में मुंडा विद्रोह, नेतृत्व करता शिवनाथ सिंह थे और क्षेत्र था आपका बुंडू और राहे क्षेत्र, इसके बाद कंपनी का नेतृत्व मेजर फॉलर महोदय के द्वारा किया गया। 1796 से 98 में मुंडा विद्रोह फिर हुआ, इसका नेतृत्व करता विश्वनाथ सिंह थे और क्षेत्र था सिल्ली और राहे क्षेत्र, कंपनी का नेतृत्व बेल्स महोदय के द्वारा किया गया। 1797 में फिर मुंडा विद्रोह हुआ, इसके जो नेतृत्व करता थे विष्णु मानकी महोदय थे, क्षेत्र था तमाड़ और बुंडू क्षेत्र, लेफ्टिनेंट बेल्स महोदय ने इसको दबाया। 1789 से 99 में चुआड विद्रोह फिर से हुआ, दुर्जन सिंह ने नेतृत्व किया मानभूमि और वीरभूम वाले क्षेत्र में। 1798 से 1805 में चुआड विद्रोह फिर से हुआ, लाल सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया बड़ा भूमि क्षेत्र में और स्ट्रेची महोदय के द्वारा कंपनी का नेतृत्व किया गया। 1800 से 1802 में चेरो विद्रोह हुआ, भूखन सिंह के नेतृत्व में और पलामू जिले वाले क्षेत्र में थे, कर्नल जोन्स के द्वारा इस कंपनी का नेतृत्व किया गया। 1787 में मुंडा विद्रोह हुआ, दुखन मानकी के द्वारा तमाड़ वाले क्षेत्र में, कैप्टन रुसीज के द्वारा इसको दबा दिया गया। 1819 से 1820 में मुंडा विद्रोह फिर से हुआ, रुद्रु मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया राहे क्षेत्र में, लेफ्टिनेंट बीलू के द्वारा इसको दबा दिया गया। 1820 से 1821 में हो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह जनजातीय सरदारों के द्वारा किया गया कोल्हान क्षेत्र में, मेजर रूसेज के द्वारा इसको दबा दिया गया। 1831 से 1832 में कोल विद्रोह हुआ, सिद्ध राय मानकी के नेतृत्व में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, कैप्टन विल्किंसन के द्वारा इसको दबा दिया गया। 1832 में फिर से कोल विद्रोह हुआ, बुद्ध भगत के द्वारा, छोटा नागपुर रीजन में, कैप्टन विल्किंसन के द्वारा इसको दबा दिया गया। 1772 में भूमिज विद्रोह हुआ, गंगा नारायण के नेतृत्व में मानभूमि वाले क्षेत्र में, ठाकुर चैतन्य सिंह के द्वारा इसको दबा दिया गया, ये जमींदार था। 1757 का जो सिपाही विद्रोह था, यानी 1857 की क्रांति, 1857 का जो क्रांति थी सिपाही क्रांति, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। झारखंड में एक पर्सन थे जिसका नाम था विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव के द्वारा पूरे झारखंड क्षेत्र में इसको क्या किया गया, नेतृत्व प्रदान किया गया। जो 1857 की क्रांति की लपट है पूरे झारखंड में थी और पूरे झारखंड में इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे विश्वनाथ सहदेव, कर्नल डाल्टन के द्वारा इस विद्रोह को यहाँ पे दबा दिया गया, ठीक है। तो 1857 की क्रांति आपकी सिपाही विद्रोह के तौर पर थी। 1858-1881 में सरदारी विद्रोह हुआ, बार्टिस्ट जोधन के द्वारा नागपुर वाले क्षेत्र में। इसके बाद 1858 में भुइया जनजाति, भुइया विद्रोह हुआ, टिकैत इसका नेतृत्व करता था हजारीबाग वाले क्षेत्र में। 1774 में खरवार विद्रोह हुआ, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, पलामू क्षेत्र में। इसके बाद 1714 में टाना भगत
विद्रोह हुआ जतरा भगत के नेतृत्व में रांची वाले क्षेत्र में, और सबसे इंपॉर्टेंट है 1895 से 1900 के बीच में उल गुलान विद्रोह हुआ या मुंडा विद्रोह हुआ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची वाले क्षेत्र में, और स्ट्रीट फील्ड महोदय के द्वारा इसको दबा दिया गया। ठीक है, तो ये टोटल झारखंड के प्रमुख विद्रोह थे। ठीक है, ढाल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, कुमुंडा विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, इसी ये लगातार जो है डेट लाइन थे। एक दो बार इसको देखिएगा, ठीक है, डेट में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बीच में शायद 1700-1800 में मेरे दिमाग में डेट इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मुझे खुद नहीं पता रहता क्या निकल रहा है कैसे निकल रहा है। डेट में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती हैं चीज़ें। अब इसका समाधान यही है कि एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लें, यहाँ पे तो वही लिखा होगा लेकिन दिमाग से मैं देखते हुए भी कई बार डेट में इधर उधर हो जाती है मुझसे। ठीक है, तो कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल आपके विद्रोह हो गए सारे के सारे जितने भी हैं हमने। अब हमें एक दो चीज़ें और देखनी है। एक बार हम थोड़ा सा दो एक्ट देख लेते हैं। पहला एक्ट है आपका छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र के लिए। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसको बोलते हैं CNT एक्ट। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, जो भूमि क्षेत्र था इस पर अवैध कब्जे को रोका जाए। ठीक है, और अवैध कब्जे को रोक करके जो यहाँ पे भूमि के कई प्रकार थे, है ना, भूमि के कई प्रकार थे यहाँ पे। जैसे एक भूमि थी खुटकट्टी जमीन, कई 6-7 प्रकार में भूमि है, खुटकट्टी जमीन, भुराही जमीन, मझियस जमीन, राजहंस जमीन, राजाओं की जमीन को राजहंस जमीन कहा जाता था, है ना, खुटकट्टी जमीन मुंडाओं की जमीन को खुटकट्टी जमीन कहा जाता था, है ना, भुरहरी जमीन उरावों की जमीन, उराव जनजाति के लोगों की जमीन को बोलते थे भुरहरी जमीन, मझियस जमीन जमींदारों की जमीन को मझियस कहा जाता था, है ना, खदानों सदानों और गैर आदिवासियों की जमीन को जो राजा के द्वारा या सरकार के द्वारा प्राप्त की जाती थी इसको कोड़कर जमीन कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारी जमीनों के प्रकार थे। ठीक है, बंदोबस्त जमीन भी थी जो गरीबों को जीवन यापन के लिए दे दी जाती थी, उसे बंदोबस्त जमीन कहते थे। ठीक है, खरीदी जमीन भी होती थी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, पिताजी के द्वारा या हमारे दादाजी के द्वारा जो जमीन दूसरे से खरीदी जाती थी उसे खरीदी जमीन के तौर पे भी बोला जाता था। तो कई प्रकार थे। रैयती जमीन भी थी, रैयती जमीन मतलब कि राजा और सरकार यदि कोई जमीन दे दे तो उसे रैयती जमीन कहते थे। तो ये जमीन के जितने भी प्रकार थे इनको अवैध कब्जों से बचाने के लिए, ठीक है, 1908 में एक अधिनियम लाया गया जिस अधिनियम का नाम था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ये पूरा छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र के लिए, इसी को बोलते हैं CNT एक्ट। ठीक है, और जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है आपका, यहाँ पे संथाल परगना वाले क्षेत्र में, ये आपका जो भागलपुर का एक हिस्सा था संथाल परगना वाले क्षेत्र में, यहाँ पे लाया गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। अभी ये लेटेस्ट है, इसके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट आए हैं इसमें। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 है, इसको बोलते हैं SPT एक्ट 1949। ये आपकी नवी अनुसूची में सम्मिलित हैं, और ये है आपका CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर पठार अधिनियम 1908। ठीक है, काश्तकारी अधिनियम 1908। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें है क्या क्या। इस अधिनियम में टोटल 19 अध्याय हैं। किसमें? CNT एक्ट में। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं, और लगभग 271 धाराएं हैं। ठीक है, 271 धाराएं हैं और दो अनुसूचियां हैं इसमें, माफ करिएगा दो नहीं है, 12 अनुसूचियां इसमें टोटल, और 26 बार संशोधन हो चुका है इसमें। ठीक है, 26 बार संशोधन हो चुका है। तो 19 अध्याय, 271 धाराएं, 12 अनुसूचियां हैं। अब इनको एक बार जो है हम लोग देख लेते हैं कि किस भाग में, किस अध्याय में कितने सेक्शन हैं और उन सेक्शन में क्या कहा गया है। तो बहुत फास्ट ट्रैक में आपको CNT एक्ट पूरा बता दूंगा विद इन 1 से 2 मिनट में। पहला अध्याय जो है इसमें धारा 1 से लेकर 3 तक है, और इस धारा में, इस चैप्टर में बात की गई है, इसमें बताया गया कि CNT एक्ट का प्रारंभिक नाम क्या है, इसका प्रसार क्या है, किस किस क्षेत्र में लागू होगा, परिभाषाएं बहुत सारी दी गई हैं CNT एक्ट में, जमीनों को लेकर के, काश्तकारियों को लेकर के, सबको लेकर के यहाँ पे परिभाषित किया गया है। यानी अध्याय एक में धारा 1 से 3 तक है, और इसमें प्रारंभिक नाम, प्रसार, परिभाषा, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा अध्याय में धारा 4 से लेकर 8 है, इसमें काश्तकारों के वर्ग को डिफाइन किया गया, उनको डिस्कस किया गया है। इसके बाद अध्याय 3 में धारा 9 से लेकर के 15 तक है, इसमें भू धारक के बारे में बताया गया है,
अध्याय 4 में धारा 16 से लेकर 36 तक है, इसमें अधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में धारा 37 है, इसमें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त करने को रैयत के लेकर के डिस्कस किया गया है। अध्याय 6 में धारा 38 से लेकर 42 तक है, इसमें अधिभोगी जो है रैयत को लेकर के डिस्कस किया गया है। अध्याय 7 में धारा आपका जो है इसमें 43 है। अध्याय 4 से 6 तक में छूट प्राप्त भूमि को डिस्कस किया गया है। अध्याय 6 में धारा 44 से लेकर 51 तक है, इसमें जोतों और भूमि धृतियों के पट्टे और अंतरण के बारे में डिस्कस किया गया है। अध्याय 9 में धारा 51 का से लेकर के आपका 63 तक है, और इसमें डिस्कस किया गया है लगान के बारे में, साधारण उपबंध डिस्कस किए गए हैं। 9 का में धारा 63 का से लेकर 63 खा तक है, जिसमें बंजर भूमि का बंदोबस्त किया गया है। अध्याय 10 में धारा 64 से लेकर के 75 तक है, जिसमें भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकरण बंद किए गए हैं। साथ ही अध्याय 11 में धारा 76 से लेकर 89 तक है, जिसमें रूढ़ी और संपदा को लेकर के डिस्कस किया गया है। अध्याय 12 में धारा 80 से लेकर 100 तक है, जिसमें अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण किया गया है। अध्याय 13 में धारा 101 से लेकर 117 तक है, जिसकी भूमि संबंधी शर्तें, उनका रूपांतरण और अभिलेख को लेकर डिस्कस किया गया है। अध्याय 14 में धारा 118 से लेकर 126 तक है, जिसमें भू स्वामियों के विशेष अधिकार को लेकर डिस्कस किया गया है, और भू स्वामियों के जो विशेष अधिकार से संबंधित भूमि अभिलेख है उनको डिस्कस किया गया है। अध्याय 15 में धारा 127 से लेकर 134 तक है, जिसमें अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार और रैयत के बारे में डिस्कस किया गया है। अध्याय 16 में धारा 135 से लेकर धारा 239 तक है, जिसे उपर्युक्त द्वारा संज्ञेय विषयों के बारे में न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी, यदि किसी भी तरीके से इनका उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका कैसे जा सकते हैं, न्यायपालिका को क्या पावर्स हैं, वो सारा डिस्कस किया गया है। इसके बाद आपका 16 का है, 16 का में आपका धारा 239 ए है, जिसमें बिहार उड़ीसा और इसमें वसूली अधिनियम डिस्कस किया गया है। 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया दी गई है। अध्याय 17 है, अध्याय 17 में सेक्शन 230 से लेकर 238 है, इसमें परिसीमा को लेकर डिस्कस किया गया है। अध्याय 239 से 256 तक है, जिसमें मुंडारी खुटकैया के विषय में विशेष उपबंध किए गए हैं, और अध्याय 19 में 257 से लेकर 271 तक है, जिसमें अनुपूरक विषय दिए गए हैं। यानी टोटल 19 अध्याय हैं और टोटल 271 इसमें, ठीक है। तो या तो अध्याय वाइज बारे में पूछता है, सेक्शन वाइज भी पूछता है, लेकिन डिटेल से ये क्लास में करवाया गया, डिटेल से हर एक चीज़ को ऑनलाइन बैच में इसमें कंप्लीट कराया गया, पूरा CNT एक्ट और पूरा SPT एक्ट, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। SPT एक्ट आपका संथाल परगना अधिनियम है, ठीक है। इसका उद्देश्य है संथाल परगना के जो भूस्वामी हैं और रैयत मतलब जो खेतों के किसान मालिक हैं, ठीक है, उनकी भूमि की सुरक्षा की जाए। और इस एक्ट में टोटल 9 अध्याय हैं, CNT एक्ट में टोटल 19 अध्याय थे, SPT एक्ट में 9 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं। वहां पर कितनी धाराएं थी टोटल, वहां पर 19 अध्याय और 271 धाराएं थी, ठीक है। CNT में 19 अध्याय और 271 धाराएं, SPT की बात करें तो यहां पे 72 धाराएं और 9 अध्याय, यानी छोटा सा एक्ट है आपका, क्योंकि क्षेत्र भी छोटा है। तो इसमें अध्याय 1 में धारा 1 से 4 तक है, जिसमें बताया गया नाम क्या है, प्रसार क्या है, परिभाषा क्या है। अध्याय 2 में 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में डिस्कस किया गया है। अध्याय 3 में 12 से लेकर 26 तक है, रैयतों के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में धारा 27 से लेकर 42 तक है, बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती के लिए है। इसके बाद अध्याय 5 में 43 से लेकर 52 तक है, लगान के प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 में धारा 53 है, जिसमें कतिपय और कुछ भोगी प्रयोजनों के लिए जमींदारों द्वारा भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अध्याय 7 में धारा 54 से लेकर 63 है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया बताई गई है। अध्याय 8 में धारा 64 से लेकर 66 तक है, जिसमें परिसीमा लिमिटेशंस के वो डिस्कस किया गया है। और अध्याय 9 में 67 से लेकर 72 तक है, जिसमें विविध प्रावधान किए गए हैं। ये जो आपका CNT एक्ट है, ये 18 जिलों में लागू होता है, और जो SPT एक्ट है, ये 6 जिलों में लागू होता है, ठीक।
ठीक है, 6 जिले कौन से हैं आपके? जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, यानी कि संथाल परगना। ये संथाल परगना में 6 जिले थे। इन 6 जिलों पे एक कानून लागू होता है जिसका नाम है SPT एक्ट। और बाकी के जो क्षेत्र हैं 18 जिले आपके हैं, यानी टोटल 6 यहाँ हो गए, 18 यहाँ हो गए, टोटल 24 ही तो हैं। इसमें लगता है CNT एक्ट काश्तकारी के लिए, ताकि ज़मीन का अवैध कब्जा बचाया जा सके। इन सब चीज़ों को लेकर के 2 एक्ट बनाए गए हैं। संथाल परगना अधिनियम अलग है और छोटा नागपुर पठार अधिनियम अलग है। CNT अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, दोनों सिलेबस में इन्होंने दे रखा है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में क्लास ही में करवा पाना संभव है तो वहाँ पर बहुत डिटेल से चीज़ें करवाई गई हैं। तो ये आपके 2 प्रमुख अधिनियम हो गए, CNT एक्ट और SPT एक्ट। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद अब आगे जो है कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं, एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते ही हैं, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान जिसने T20 से लेकर के वर्ल्ड कप तक को लेकर के, टेस्ट सीरीज़ को लेकर के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, रांची से, यहीं से महेंद्र सिंह धोनी यहीं से आते हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, झारखंड का सबसे ठंडा स्थल ये छोटा नागपुर पठार में पड़ता है, आपका लातेहार जिला में। लातेहार जिला में एक जगह पड़ती है जो झारखंड का सबसे, इसका नाम है नेतरहाट। सबसे ठंडा स्थल है यहाँ का नेतरहाट। छोटा नागपुर पठार की रानी भी इसे कहा जाता है, इसे छोटा पठार की रानी कहा जाता है, पहाड़ियों की मल्लिका भी कहा जाता है। तो एक तरीके का एक पर्यटक स्थल है, स्वास्थ्य वर्धक स्थल है झारखंड का। ठीक है, तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट है। कहाँ पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार में, ये लातेहार में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे जो है 2-3 पॉइंट और हैं आपके। हजारीबाग में एक जगह है सूरज कुंड, ये सबसे गर्म पानी का स्रोत है। लगभग 87 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जल का तापमान रहता है। गर्म कुंड है, ये गर्म पानी का स्रोत है। तो सूरज कुंड हजारीबाग में स्थित है और सबसे गर्म पानी का स्रोत है। तो ये 87 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसके अलावा रांची में एक जगह है जिसका नाम है चुट्टूपालू। चुट्टूपालू को झारखंड की शिमला भी कहा जाता है। चुट्टूपालू एक जगह है जिसको झारखंड की शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है झारखंड को लेकर के कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। अब हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं, और यदि कुछ बचा होगा तो उसको भी हम रिमेनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने राजनीतिक मानचित्र के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको झारखंड के सभी 5 प्रमंडल और 24 जिलों को दिखाया था। ठीक, इसके बाद हमने दूसरी चर्चा की इसका प्राकृतिक मानचित्र, जिसमें छोटापुर नागपुर पठार और उसमें अवस्थित विभिन्न प्रकार के जो पठार थे, जैसे कि कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उसी में रांची का पठार, सिमडेगा का पठार। इसके बाद उच्च भूमि क्षेत्र बहुत सारे हैं, जैसे पकौर उच्च भूमि क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्ट पलामू हिल्स वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कोल्हान उच्च भूमि क्षेत्र है। ठीक है, तो कई सारे अपलिपमेंट क्षेत्र हैं, और यहाँ पे पोराहाट की पहाड़ियाँ हैं, पोराहाट हिल्स हैं। ठीक है, तो उच्चावच को लेकर हमने डिस्कस किया था। फिर जितनी भी नदियाँ थी, यहाँ की सभी नदियों के बारे में हमने देखने का प्रयास किया था। ठीक है, और नदियों के साथ साथ हमने फिर इसके बाद इसका जो बेसिक झारखंड को लेकर के जो पर्सन एंड न्यूज़ टाइप की चीज़ें हैं, झारखंड के बारे में सामान्य परिचय देखा, यहाँ की जननांकिकी के बारे में हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया। जननांकिकी के बाद जो है हमने झारखंड में जनजातियों का पूरा एक क्वेश्चन जिससे निकल सकते हैं, जनजातीय परिचय के बारे में समझने का प्रयास किया। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमने एक चीज़ और देख लेते हैं। झारखंड के विभिन्न नाम पाए गए हैं इतिहास में, झारखंड के कई नामों से इसको जाना जाता है। एत्रीय ब्राह्मण में इसको पुंडू या पुंडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले झारखंड का नाम हमें कहाँ मिलता है? एत्रीय ब्राह्मण में। सबसे पहले झारखंड का नाम कहाँ मिलता है? एत्रीय ब्राह्मण में। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में। इसके बाद वायु पुराण में इसको मुरंड के नाम से जानते हैं। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति में भी इसको मुरुंड के नाम से जानते हैं। विष्णु पुराण में इसको मुंड के नाम से जानते हैं, झारखंड का नाम मुंड मिलता है। भागवत पुराण में इसको किक्कट प्रदेश के नाम से जानते हैं। महाभारत में इसको पुंडरुक 10 के नाम से जानते हैं, या
पशुभूमि के नाम से जानते हैं इसको, पुंडरुक दस या पशुभूमि के नाम से। जरासंध यहाँ का शासक था उस टाइम पीरियड पे। मुगल काल में इसको खुखरा या कुकुरा के नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को। तजुके जहांगीरी में खोखरा प्रदेश के नाम से इसका नाम मिलता है ना। और इसके अलावा पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में इसको कलिंद देश के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र जितने मिले हैं, तरीख़ बांग्ला एक पुस्तक है, तरीख़ पिरोजशाही एक पुस्तक है, सियार उ मुख्तरीन एक पुस्तक है, कबीर दास के दोहे में या मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत में इसका नाम झारखंड मिलता है। अकबरनामा में भी इसको झारखंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि मध्यकाल में इसको झारखंड नाम से हम जानते हैं। आईने अकबरी में इसका नाम कोकरा मिलता है। अबुल फजल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई आईने अकबरी, उसमें कोकरा इसका नाम मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका नाम कुक्कुट देश मिलता है। झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से जानते हैं। एक विदेशी यात्री आया था टॉलमी, टॉलमी ने अपने लेखों में इसका नाम मुंडल बताया है। फायान के द्वारा इसको कुक्कड़ शब्द प्रयोग किया गया है। फायान की एक पुस्तक है फो क्योंकी, है ना। फायान कब आया था? गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड पे फायान आया था। इसी हिसाब से ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग भारत कब आया था? जब यहाँ पे हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, तो ह्वेनसांग ने झारखंड को अलग ही नाम दिया है, कीलाना सुफालाना, ठीक है। ये चीनी नाम है, चाइनीज नाम है। जैसे कि सी यू की उसने एक पुस्तक लिखा है, वैसे झारखंड को इसने नाम लिखा है कीलाना सुफालाना, ठीक है। या कर्ण सुवर्ण भी नाम कई जगह मिलता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र का नाम रखा छोटा नागपुर का पठार, और संथाल परगना जो ये क्षेत्र था इसको नीरखंड या काक जाल के नाम से भी जाना जाता था। तो संथाल परगना क्षेत्र को नीरखंड कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को नीरखंड कहा जाता था, नीरखंड। बाद में इसको काकजौल के नाम से भी जाना जाता था। बाकी झारखंड रीजन के इतने नाम है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बस आपसे जो ज़्यादातर पूछता है इतरे ब्राह्मण का पूछता है, इतरे ब्राह्मण में इसका नाम पुंडू मिलता है, बाकी भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश मिलता है, महाभारत में पुंडराक मिलता है। एक बार इसको दोबारा आप जब देखेंगे तो सारे नाम आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो झारखंड के कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, इसको भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया। तो लगभग लगभग बोर्ड में जितनी चीज़ें हम देख पाए थे उन सभी चीज़ों को लगभग हमने डिस्कस कर लिया। झारखंड के बारे में सामान्य परिचय, इसके बाद झारखंड का जननांकी परिचय, झारखंड के जितने भी ज़िले हैं उनका परिचय, इसके बाद जो आपका CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, जनजातियाँ हो गई सारी की सारी, ये हो गई। एक दो चीज़ें और हैं जो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधुकोंडा महोदय थे। कौन थे? मधुकोंडा, अभी भी हैं शायद ये, है ना। सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए, एक बार देख लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन थी यहाँ की? विजय नीलमणि खलसो, विजय नीलमणि खलसो। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पुत्ती थी। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता ये पुलिसकर्मी थे, रणधीर वर्मा, इनको सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको अशोक चक्र मिला था। प्रथम आदिवासी जिसको पद्मश्री दिया गया, जुएल लकड़ा, है ना। इसके बाद प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ये आपका जो है लोहरदगा में है। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची में है आपका, ठीक है। और झारखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। फटिक चंद्र हेम्ब्रम झारखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बैस। क्या नाम है? रमेश बैस। और इस समय मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे हैं ये आपके। और इस समय विधानसभा में आपकी 42 सीटें, 6 सीटें राज्यसभा में, 14 सीटें लोकसभा में, ठीक है। तो ये इसकी वर्तमान की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये हो गया आपका झारखंड को लेकर के हमारा एक पहला पार्ट है, पहला भाग है। अभी इतिहास तो इसमें सम्मिलित ही नहीं हुआ है। जब इतिहास जब हम कभी भी करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ स्टेट का करवाया है, बिहार का इतिहास बिहार वाले वीडियो में करवाया है, या फिर अभी उसका भी, लेकिन उसमें बाकी का सेक्शन रह गया, तो ये पूरा फैक्चुअल डेटा इसमें ज़्यादा है। अब इसका तरीका क्या है? 2 से 3 बार सुनना, 2 से 3 बार लास्ट मोमेंट पे आप यदि इस क्लास को देखेंगे सुनेंगे तो आपको झारखंड के जितने भी टॉपिक हैं सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ हमारा ये मास्टर वीडियो का ये अंक, ठीक है। इसी तरीके से आगे अभी जो भी
आपके राज्य होंगे उनको हम कंटिन्यूअस लेकर के रखेंगे। जैसे अगला राज्य जो हम लेकर के आएंगे, अगला राज्य रहेगा आपका राजस्थान, ठीक है।